है हमको घर गवाई, बने हैं हमको घर गवाई, घर जवाई बनकर हमने ये है इज्जत पाई, बने हैं हमको घर जवाई। सुबह सवेरे पकड़ दस्तरी, हो जाऊं तैयार, हाँ हो जाऊं तैयार, सुबह सवेरे पकड़ दस्तरी, हो जाऊं तैयार, ससुर का कुर्ता सास की साड़ी, बीवी की सलवार, हाँ बीवी की सलवार, ससुर का कुर्ता सास की साड़ी, बीवी की सलवार, बनकर धोबी करूं इस तरी, ये है मेरी कमाई, बने हैं हमको घर जवाई, बने हैं हमको घर जवाई। हर पहली को घर के नौकर अपनी तनख्वाह पाएं, हाँ अपनी तनख्वाह पाएं, हर पहली को घर के नौकर अपनी तनख्वाह पाएं, हम ललचाई नजरों से उन सबको देखे जाएं, हम ललचाई नजरों से उन सबको देखे जाएं, जेब में मेरे नहीं एक पाई, जेब में मेरे नहीं एक पाई, बने हैं हम तो घर जवाई। कभी कभी जो सास कहे बाजार से सौदा लागे, कभी कभी जो सास कहे बाजार से सौदा लागे, काट तू जितना काटा जाए हाथ अपने दिखला दे, काट तू जितना काटा जाए हाथ अपने दिखला दे, यही हाथों की है सफाई, यही हाथों की है सफाई, बने हैं हमको घर जवाई। घर जवाई बनना है तो बात मेरी एक मानो, घर जवाई बनना है तो बात मेरी एक मानो, सास सिपाही ससुर दरोगा जोरू अफसर जानो, फिर मिलेगी तुमको दूध भलाई, मिलेगी तुमको दूध भलाई, दूध मलाई खाकर हमने ये है सेहत पाई, बने हैं हमको घर जवाई, हा 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 हो। मैंने कहा जी ओ चुप, ये जरा दो साड़ियाँ तो इस्त्री कर देना आप। मेरी जान और कुछ नहीं, बस दो साड़ियाँ भाई। मुझे कभी कभी बहुत रहम आता है आप पर। काश कभी कभी आपको मुझ पे प्यार आ जाए। मालूम होता है आपका दिल लग गया है ऐसे काम में। क्यों ना लगेगा, जब आशिक को माशूक की साड़ियाँ हर वक्त इस्त्री करने को मिल जाए तो फिर आशिक को और क्या चाहिए, फिर वही मजा। नहीं तो देखो जी, मैं कहती हूँ आप कोई काम वाम किया करो, मुझे ये पसंद नहीं करना। इससे और अच्छा काम क्या हो सकता है भला, बाहर कितना भी काम करो तो कुछ नहीं मिलता, यहाँ छोटे छोटे काम करने से बहुत कुछ मिल जाता है, देखना क्या ठाट से जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी। वाह वाह बड़ी शान है, क्या कहने, नाराज हो गए। चिमन ला बेटा मेरा कोट। कोट तो जल गया। कोट जल गया? अरे कोट जल गया, 50 रुपए गज का कपड़ा और 40 रुपए मैंने सिलाई दी थी। माता जी उन्होंने जानबूझ के तो नहीं जलाया। जानबूझ के नहीं जलाया तो और क्या किया, तेरी साड़ियाँ जला देता ना तब पता चलता। राधिका जल गई। अरे राम राम, मेरी 150 की साड़ी माता जी। अब पता चला ना। अरे वो चिमन के बच्चे, ये तूने क्या किया, क्या तुझे इसलिए घर में रखा है, तू हमारा नुकसान ही करता रहे, जिस घर में रहना उसी में आग लगाना, सीधी तरह काम नहीं करेगा तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। पिताजी क्या मैंने जानबूझ के कपड़े जलाए? नहीं नहीं, कौन कहता है। फिर माता जी क्यों धमकी दे रही है कि मुझे घर से बाहर निकाल देगी? अरे कौन पैदा हुआ है जो तुझे इस घर से बाहर निकाल देगा, मैं मुंह फोड़ दूंगा, समझा। एक ही तो दामाद है, आखिर तो सिर्फ मेरा कोट ही जल गया है, मैं तो बच गया, अगर मैंने कोट पहना हुआ होता तो मैं नहीं जल जाता। हाँ 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 हाँ, भगवान की बड़ी दया हुई। जा चिमन गाड़ी ले आ बाहर। बहुत अच्छा। और ये ले 5 रुपया, भाजी तरकारी लेते आना। बहुत अच्छा माता जी। बुद्धू ये रसोई में ले जा। अरे चिमन कुछ हिसाब तो देता जा, कितने पैसे खर्च किए हैं? तो माता जी 2 रुपए के मटर, हाँ। एक के आलू, हाँ। एक की गोभी, हाँ। और 12 आने के टमाटर। और 4 आने? 4 आने माता जी, 4 आने बचे
तुम मैं राधिका के लिए भी नहीं लिया। चोर कहीं का, शर्म नहीं आई तुझे? बगैर पूछे चारा में क्यों खर्च किए? क्या बात है? अरे दामाद से पूछो ना। क्यों ना चमन, क्या बात है? पिताजी बात तो कुछ नहीं, सब्जी में से चारा नहीं बचे, मैं राधिका के लिए वेनी ले आया। मैं ये पूछ सकता हूँ क्या मेरा घर में कोई हक नहीं? क्यों नहीं, मैं आदमी नहीं? जरूर। तो फिर ये हर वक्त बुरा भला क्यों कहती है, मुझे गालियां क्यों देती है? चमन को गालियां दे रहे थे क्यों? बेचारे के पीछे हाथ धो के पड़ी है, इकलौता दामाद है, घर की रौनक है। जा बेटा जा, मैं तुझे शाम को और दो आने दे दूंगा। और चढ़ाओ दामाद को सर पर, मेरा क्या है? आज चारा ने चोरी किए हैं, कल तिजोरी लूटेगा, परसों डाका डालेगा। चोर कहीं का, चोरी के पैसों में से फूल लाए, शर्म नहीं आती? चोरी करूं, डाका डालूं या कुछ भी करूं, तेरी पालना तो मुझे ही करनी है ना। चिमन के हाथ में लाखों रुपए का हिसाब रहता है, अगर उसकी नियत साफ ना रही तो भगवान ही है हमारी रक्षा करे। सुन लिया? सुनने की आदत हो गई है। यहाँ कहाँ जा रही हो? अरे वारे जमाना, जिसके लिए मैं जलील हुआ वही मुझ पे गुस्से होती है। मैं कहती हूँ अभी खास कुछ नहीं बिगड़ा, अगर सोच समझ के काम ले। तू क्यों परेशान होती है चार आने के लिए? अरे चार आने की बात नहीं। जी ये लीजिए चार आने, और परमात्मा के लिए बोलना बंद कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बड़ी आई चार आने लौटाने वाली। ये चार आने इसी घर के तेरे पति की कमाई नहीं, उन्हें आपने कमाने के काबिल कब रखा है? राधिका हमने तेरा क्या बुरा किया है? आज तक दोनों को मुफ्त में घर में खिलाया, इतना जहर दिया। यही तो जुल्म किया आपने पिताजी, 150 की नौकरी मिल रही थी वो करने नहीं दी, हमारी बेइज्जती होती है, हमारी नाक कटती है। अरे 150 के बजाय 200 खिला रहे हैं घर में, तो जो आप दे रहे हैं वो भीख के बराबर है। दुश्मनी करते हैं वो माँ बाप जो अपनी लड़कियों को दहेज देते हैं, दुश्मनी करते हैं वो सास ससुर जो अपने दामादों को घर बिठा कर खिलाते हैं। बंद करे बकवास राधिका, तो हद से बढ़ी जाती है। हाय हाय, इतनी जोर से गरज रही हूँ अपनी बेटी पर, मैंने मन्नतें मान के ली है बेटी, इतनी जोर से डांट रहे हो? अरे डांटना तो क्या, इसी बदतमीज औलाद को घर से बाहर निकाल दूंगा। आपको घर से बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी पिताजी, मैं खुद फैसला कर चुकी हूँ कि कपड़े सीऊंगी, झाड़ू दूंगी, बर्तन साफ करूंगी, मगर इस घर में नहीं रहूंगी। हाँ मैंने लाखों के बोल से राधिका तेरे लिए। गिरावट की भी हद होती है। क्या हुआ? आपको अगर बेइज्जती और अपमान सहना तो शौक से सही है, मैं मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लूंगी मगर यहाँ नहीं रहूंगी बस। मगर बताओ तो सही बात क्या है? आपको तो अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं, लेकिन मुझे तो है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी गैरत को न ललकारो राधिका। गैरत? अगर आप में गैरत होती तो मुझे आज ये दिन ना देखने पड़ते। बस राधिका मेरा जमीर मर गया था, मैं इंसानियत को खो बैठा था, वो क्यों? महज तेरी वजह से। मेरी वजह से क्यों? हाँ मुझे हर वक्त यही ख्याल आता था कि तुम नाजों से पली हुई हो, कहीं तुझे तकलीफ ना हो। तूने ही मेरी आंखों में पट्टी बांधी थी, आज तूने ही खोल दी। राधिका मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं जितना तुम समझती हो, मेरी आंखों में शर्म है, दिल में एहसास है, मेरी बाजू में ताकत है, मैं मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पाल सकता हूँ। चलो आज ही इस घर को छोड़ेंगे। चलो फिर चलो। अरे कहाँ जा रहे हो चिमन? अपनी बेटी से पूछो। अभी घर से कदम बाहर रखा नहीं और लगे पांव टक बगाने। सुनिए अब हम यहाँ एक मिनट के लिए भी नहीं ठहर सकते, हमारा अपमान हुआ है, मेरी पत्नी की बेइज्जती हुई है। हाँ अगर तुम राधिका से माफी मांगो तो भी हम माफ नहीं करेंगे। चिमन क्या बेहूदगी है? ये बेहूदगी नहीं, अब हम ये अल्फाज नहीं सुन सकते। मेरे जमीन ने पुकार पुकार कर मेरे कानों में कहा है, चिमन होशियार हो जा, तू अब बड़ा आदमी बनने वाला है। अरे शाम तक उतर जाएगा सर से भूत। ये आपकी भूल है, हम जब तक कमाएंगे नहीं इस घर में कदम नहीं रखेंगे। चल राधिका चलिए। अरे अरे तू कहाँ जाती राधिका? अपने पति के साथ। हाँ। उसके साथ क्या करेगी मेरी लाडली? मैं उनका हाथ बताऊंगी मेहनत मजदूरी में। अरे मरने दो, कहाँ जाएगा, दो रोज में ही वापिस आ जाएगा, बाहर है क्या, खाने को हवा और पीने को पानी। बड़ा आया कमाने वाला। मेरे जीते जी तुम नौकरी करो, ये मैं हरगिज गवारा नहीं कर सकता। घर की हालत तो तुम जानते ही हो भैया। सुधर जाएगी घर की हालत, मैं और हाथ पांव मार लूंगा। तुमसे तो जो होता है करते ही हो,
जब माता जी का स्वर्गवास हुआ तो मैं 10 बरस की थी, गुलाब 1 बरस का। तुमने हमें पाला, पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया। अब एक लगन है कि तुम्हारा ब्याह हो जाए और माता जी की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो। मेरे ब्याह से जरूरी गुलाब की पढ़ाई है भैया। मैं चाहती हूँ कि जो तुम्हें ना मिल सका वो उसे मिल जाए, वो पढ़े, बड़ा आदमी बने। दीदी, दीदी, ये देखो हमें इनाम मिला है। शाबाश। दीदी, मैं अपनी जमात में अव्वल आया हूँ। अव्वल आया है मेरा राजा भैया। मैंने कहा शिमले की गाड़ी आ जाएगी मगर तुम्हारी तैयारी खत्म नहीं होगी। आती हूँ। गाड़ी 8 बजे आती है, यहाँ 8:30 बज गए। अच्छा। नमस्ते पिताजी। हम तुम्हें लेने स्टेशन जा रहे थे। चलिए अच्छा। मैंने कहा चंदर आ गया? हाँ। बेडिंग बैग कहाँ है? वो बुद्धू ला रहा है ना। हाँ। आ गए हो बेटा? कैसी हो माँ? जुग जुग जियो मेरे लाल। आप तो तुम वकील बन गए हो। हाँ, हो तो मैंने 2-4 लड़कियाँ देखी हैं। अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। कितनी लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी माँ? माँ का मजाक उड़ाता है। देखो माँ, मैं तुमसे कह देता हूँ, पहले कुछ कमाई का ठीक हो जाए फिर मैं शादी करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। चंदर, तुझे कमाने की क्या जरूरत है? मैंने बैंक में तेरा अकाउंट खोला है। पिताजी, ये सब खर्च का बंदोबस्त है, कमाई का नहीं। अरे माँ, ये जीवन भैया और राधिका कहाँ हैं? अरे बम तो कंपनी की एजेंट बन गई है तेरी बहन। बम तो नहीं बाबा, बीमा कंपनी। हाँ हाँ, उसी की। अच्छा। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ गई राधिका। आज हम तुम्हें एक खुशखबरी सुनाते हैं। अच्छा, कोई खुशखबरी तो मैं भी एक लाई हूँ, लेकिन चलो पहला मौका आपको दिया। चंदर भैया आ गए। है चंदर भैया आ गई? हाँ, अभी अभी फोन आया। चलो आप चलो। नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो, पहले अपनी तो खुशखबरी सुनाओ। ओ वो 5,000 के 3 केस लाई हूँ। शाबाश शाबाश शाबाश। 5,000 के 3 केस। वारे भगवान, तुमने भी क्या किस्मत बनाई है हमारी। पहले ससुर की कमाई खाते थे, अब बीवी साहिबा की कमाई खाते हैं। है बीवी की? कैसे? बीवी की नहीं तो और क्या। मियाँ साहब 1,000 के बीमे के लिए 10 चक्कर खाता है फिर भी कुछ नहीं बनता, और बीवी साहिबा 2 घंटे में 15,000 का बिजनेस। देखिए, आप तो हेड है ना और मैं एजेंट हूँ, तो ये मेरा काम है, आपका काम थोड़ी है। चलो चंद्र भैया को मिलने चलो। चले आउटो ना जल्दी, आप देर से लगा रहे हैं। चलो जल्दी। अच्छा तो वो अब अपनी मेहनत का खाते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बड़ी अच्छी बात है। क्यों? अरे सेठ चुनीलाल की लड़की इंश्योरेंस एजेंट, मेरी तो शर्म से गर्दन नहीं उठती। शर्म इसमें काहे की पिताजी, काम में ऊंच नीच कैसी। हेलो हेलो भैया। हेलो 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 चंद्र, तुम्हारा तो बिल्कुल हुलिया ही बदल गया है। देखो ना, दोनों कितने कमजोर और दुबले मालूम होते हैं। पिताजी, पहले हम आराम के खाते थे, अब हलाल के खाते हैं। हाँ चंद्र भैया, सच पूछो तो ऐसा मालूम होता है कि हम भी जी रहे हैं। शेख चमनलाल जी, ये फजूल बकवास बंद करो। नहीं जी, ये हकीकत। मैंने कहा राधिका को काम से हटा लो। क्यों? मैं तुम्हें 50,000 का बीमा दे दूंगा। 50,000 का बीमा? छी छी छी, क्या इससे हमारी जिंदगी बसर हो सकती है? 50,000 की बात करो तो फिर हम सोचेंगे। क्यों डार्लिंग? अरे राम राम राम, कहाँ गई तुम्हारी शर्मा भैया? क्यों क्यों? सास ससुर के सामने बस डार्लिंग फार्लिंग कहना शुरू कर दिया। तू चुप मरना, ये कोई गंदी बात नहीं है। अच्छा माता जी, बात ये है कि जरा पहले आपसे दबते थे, अब आजाद हैं। चलो डार्लिंग, हमें गांव के दौरे पे जाना है। अच्छा माता जी, अरे राधिका को यहीं रहने दो, चंदर आज ही आया है। माता जी, एजेंट के बगैर ऑफिसर किस काम का? बीमा तो यही करती है, हम तो कमीशन खाते हैं। सुना तुमने, हमारी राधिका दिन रात मेहनत करती है और ये नफटो कमाशन खाता है। तू चुप रहना, आजकल बहुत सारे मर्द औरत की कमाई खाते हैं। चल, 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 हाँ, ये तो बकबक होती रहेगी। चंदर भैया, जाते हुए एक नसीहत दे जाता हूँ कि जब तक तुम अपनी कमाई न कर लो और जिंदगी का बीमा न करवा लो, शादी न करना। अरे चल चल, बड़ा नसीहत देने वाला, निकल जा यहाँ से। क्यों चुमन को घर से बाहर निकालती है? बेचारा हफ्ते में 8-10 वक्त यहाँ आता है, उसको भी बाहर निकालती है। इसे नहीं आया तो अच्छा है। खबरदार, चुमन को कुछ कहा तो मैं तुझे भी घर से बाहर निकाल दूंगा। मुझे घर से निकाल दोगे? डांट देते हो? मेरा मेके में कोई नहीं, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मैं जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी? बेचारा चुमन था, वो भी चला गया। अब बस हुआ। मुझे वो मनाता था, मुझे चुप कराता था। Thank you.
सारे दुनिया के सरताज तेरा अमर रहेगा राज सारे दुनिया के सरताज तेरा अमर रहेगा राज जंजीरों में थी माता और चारों ओर निराशा जंजीरों में थी माता और चारों ओर निराशा तेरा जन्म हुआ धरती पे फैली फिर से आशा तेरा जन्म हुआ धरती पे फैली फिर से आशा देश हुआ आजाद मगर ना पहना तूने ताज देश हुआ आजाद मगर ना पहना तूने ताज तेरा अमर रहेगा राज सारे दुनिया के सरताज तेरा अमर रहेगा राज सारे दुनिया के सरताज तेरा अमर रहेगा राज कमाने लगे हैं अब हमें कौन पूछे तुम्हारी ही बदौलत है भैया रूपा ये मुझे स्कूल कमेटी की तरफ से इनाम मिला है कितना सुंदर है नमस्ते नमस्ते मुझे चमन पीए कहते हैं इंस्पेक्टर आजाद हिंद इंश्योरेंस कंपनी और मुझे राधिका एजेंट आजाद हिंद इंश्योरेंस कंपनी वैसे तो हम मियां बीवी हैं भाई बहन है कौन है दुनिया में जो अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करना नहीं चाहता जो कल के लिए आग बचाना नहीं चाहता भाई साहब इंश्योरेंस यानी बीमा एक ऐसी चीज है कि थोड़े थोड़े पैसे देने से बुढ़ापे में एक बड़ी रकम एक साथ मिल जाती है और अगर परमात्मा न करे कि बुढ़ापे से पहले आदमी मर जाए
तो भी वही रकम फौरन उस वक्त में जाती। तो क्या वो पैसे मरने वाले के साथ चला दी जाती? नहीं 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 बेटा, तुम नहीं समझे, उसके घर वालों को मिल जाते। तो क्या आप पैसे लेके दोनों लोगों की जान लेना चाहते हैं? अरे नहीं, तुम समझे नहीं, हम लोग तो जो बीमा कराते हैं ना, उनकी जिंदगी के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी बड़ी बड़ी उम्र हो। तब तो मैं भी बीमा कराऊंगा। अरे नहीं, तुम तो बहुत छोटे हो। हाँ, अगर तुम्हारे पिताजी, अगर ये तो मेरे भाई मोती है और ये है हमारी बहन रूपा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो भाई साहब, फिर तो आपको अपने भाई के पढ़ाई के लिए और बहन की शादी के लिए बीमा जरूर कराना चाहिए। देखिए ना, बात ये है कि जो बीमा है ना, दरअसल बहुत कारामद चीज है। अगर आपको कर्ज लेना हो तो आपको मकान या जमीन वगैरह गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। हाँ। आपको बीमे की पॉलिसी पर कर्ज मिल सकता है। देखिए ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो बात ये है, देखिए मैं आपको बताऊँ। आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए, बस 2000 के बीमे के लिए आपको सिर्फ 7 रुपया महीना देना होगा। लेकिन मेरे लिए तो 7 रुपया महीना देना भी बहुत मुश्किल है, मुझे बीमा नहीं कराना। मगर आप जाते ये तो कहीं घर आपका है। करा लो ना भैया, यूँ तो कुछ बचता नहीं, इसी बहाने कुछ पैसे बच जाया करेंगे। अच्छा मैं लाती हूँ 7 रुपया। अच्छा, लेकिन हमें ये पैसे मिलेंगे कब? सिर्फ 20 बरस के बाद। 20 बरस के बाद? हाँ हाँ, अगर तुम लोग को जलती हो तो मैं इसका भी बंदोबस्त कर सकता हूँ। लीजिए सर, अब तो आप दस्तखत कर दीजिए। हाँ। लेकिन आप लोग जरा मुझे सोचने तो दीजिए। ये लीजिए। देखिए ना, इसमें सोचने की क्या बात है, अब तो इन्होंने रुपए भी दे दिए हैं। अब तो अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। अब हम कल सुबह डॉक्टर को ले आएंगे। इसमें घबराने की कोई बात नहीं, वो सिर्फ आपको एग्जामिन करेगा। और ये लीजिए, ये मेरा कार्ड है, अगर फिर आप कभी बीमे का ख्याल करें तो हमें याद फरमाइए। जरूर जरूर। अच्छा जी, अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। मतलब ही हो तुम लोग, काम निकल गया, नमस्ते। बड़ी अच्छी जोड़ी है, दोनों मियां बीवी मिलकर काम करते हैं। लो गुलाब, अब तुम्हें 2000 रुपए की जरूरत पड़े, परमात्मा से प्रार्थना करो कि बस मोती भैया जल्दी से चल बसे। अरे आप चुप भी रहिए, चंद्र पाने का वक्त हुआ है। मैं क्यों चुप रहूं? मैं नहीं चुप रहूंगा। चंद्र मेरा बेटा है, मैं उसका बाप हूं। पिताजी, हाँ, मुझे एक बहुत अच्छा मुकदमा मिल गया है, एक खूनी को रिहा कराना, और अगर पिताजी मैं ये मुकदमा जीत गया तो छन्नम में जाए तेरा मुकदमा, पहले घर के मुकदमे का फैसला करो। वो क्या है? तेरा ब्याह, बड़े बड़े घर के रिश्ते आ रहे हैं। पर लेकिन कुछ नहीं, अब काफी इंतजार हो चुका है, और फिर एक ही तो बेटा है। अगर दूसरा होता तो पहले उसे ब्याह देते, तुझे पूछते भी नहीं। अरे पूछते क्यों नहीं, पहले बड़े का ब्याह होता। अगर बड़ा न माने तो क्या छोटा भी कुंवारा रहे? अरे पर तो छोटा है कहाँ, इसी बात का तो रोना है। आप लोग आपस में इस बात का फैसला कीजिए, मुझे मुकदमे की तैयारी करनी है, मैं जाता हूँ। चंदर बात सुना है, देखो ये बात है, देख चंदर क्या औलाद है तुम्हारी, तो है, देख तेरे बेटे के लक्षण, बाप चिल्ला रहा है और बेटे को परवाह भी नहीं। हे भगवान, मेरा बेटा मुकदमा जीत जाए। भैया भैया आखिर जीत हमारी हुई ना? जीत? कैसी जीत? हमारे स्कूल को हाई स्कूल बनाने की बातचीत चल रही थी ना। हाँ। चंदा इकट्ठा करने की तरकीबें सोची जा रही थी, एक तरफ बूढ़े थे और एक तरफ जवान। आखिर फैसला क्या हुआ? जवान जीत गए, एक ड्रामा तैयार होगा, गर्मी की छुट्टियों में बम्बई के बड़े बड़े शहरों में खेला जाएगा, टिकटे बेचकर पैसे इकट्ठे किए जाएंगे। तो क्या तुम भी जाओगी? मैं तो सब करता धरता हूँ। आंखों से आंखों को
किए जाओ, प्यार किए जाओ जी, प्यार किए जाओ। ओ मस्त नजर आज तू मस्ती को लुटा दे, और चांद से चेहरे से जरा जुल्फें हटा दे। जो दिल में तेरे है, जो दिल में तेरे है, जो दिल में तेरे है, वो निगाहों से सुना दे। उल्फत के निभाने का इकरार किए जाओ, उल्फत के निभाने का इकरार किए जाओ, प्यार किए जाओ जी, प्यार किए जाओ। आँखों से आँखों को दो चार किए जाओ, प्यार किए जाओ जी, प्यार किए जाओ। पहलू में मेरे छोटा सा एक सहमा हुआ है दिल, हर तार है इस दिल का तेरे प्यार के काबिल। नमस्ते, नमस्ते। क्यों पहचाना नहीं? ओहो रूपा बहन, वाह आपने पहचान ली। कैसी अच्छी हो? अच्छी हाँ, अच्छी जी हाँ। देखिए कौन आई। नमस्ते, नमस्ते, आइए बैठिए। कहिए मोती भैया और गुलाब तो अच्छे हैं ना? सब अच्छे हैं। हम अपने इसको क्या हुआ? क्या हुआ? आज लव में मुकाबला जीत गया। पूरी को मैंने साफ बड़ी करा दिया। देखो इस वक्त जाके शहर में पूछ लो, तमाम शहर में तुम्हारी भैया की शोहरत की चर्चा। अरे मुबारक हो, मुबारक हो। मिस रूपा, मिस्टर चंद्र, राय साहब चुनीलाल के इकलौते बेटे, एक ही दिन में बहुत बड़ा वकील बन गया है। अभी अभी खूनी को रिहा करा के आए। ये तो कोई फख्र की बात नहीं है। फख्र की बात क्यों नहीं? गुनाहगार को रिहा कराना और बेगुनाह को कैद कराना, ये तो वकीलों का सबसे बड़ा काम। मुझे अफसोस है कि समाज को धोखा देने, इंसाफ पर पर्दा डालने को आप काबिलियत समझते हैं। चंद्र बाबू, आपने एक गुनाहगार को रिहा करा कर खुद गुनाह किया है। आपका मतलब? आपने जानबूझकर झूठ को सच साबित किया, ये बेइंसाफी है। आपने समाज को धोखा दिया, देश को धोखा दिया, कानून को धोखा दिया। माफ कीजिएगा, ये मेरा पेशा है। जो मुकदमा भी मैं हाथ में लूंगा उसको जीतना मेरा फर्ज है, बाकी रहा इंसाफ वो अदालत का काम। वकील का फर्ज है कि वो मुंसिफ की मदद करे ताकि वो इंसाफ कर सके, ना कि उसकी आंखों में धूल डाले। तो भाई साहब आप लाजवाब हो गए। देखिए साहब हमारी बातें बिकती हैं, फजूल बहस से क्या फायदा? इसका मतलब कि आप अपनी हार मान। मैं तो हार जीत के लिए नहीं, जो महसूस करती हूँ वो बोलती हूँ। खैर छोड़िए इन बातों को, मैं जो काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। फरमाइए आप क्या? हमने अपने स्कूल को हाई स्कूल बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, उसके लिए एक ड्रामा तैयार किया। आप बोलिए कितनी टिकटें खरीदती हैं? देखिए आप उस ड्रामे में काम करेंगे क्या? जी तो मुझको तो 3 टिकट दीजिए आप। क्या पैसे होंगे उसके? भाई साहब पैसे मैं देता हूँ। ये लीजिए 30 रुपए दीजिए। 30 रुपए? नहीं टिकट, यानी टिकट मैं ले रहा हूँ, पैसे आपके लिए। आप साले साहब ऐसा हो नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आप देखिए झगड़ा मत कीजिए। ये तो सिर्फ चंदा इकट्ठा करने का एक बहाना है, आप दोनों के पैसे मुझे मिल गए। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। अच्छा जी नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। क्यों भाई साहब टिकटिकी लगाए क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं, जल्दी जल्दी, क्या कुछ नहीं, मेरा मेरा मतलब था कि ड्रामा चलोगे ना देखने? ड्रामा चलेंगे।
क्यों नहीं जाओगे? मुझे घर जाना है बाबा। घर जाना क्यों? अरे मुकदमा जीत गया, कुछ छोटी बात है, लो पिताजी को कुछ खाने खिलानी है बाबा। अच्छा मैं अच्छा आजा, घर सीधा जाना, सीधा घर। इब्तिदाए इश्क होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? नहीं जा मदद की। ये हमारे दौरे का आखिरी शहर है, लेकिन अभी रुपए की और जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप दरिया दिली दिखाकर हमारी हौसला अफजाई करेंगे। मैंने कहा चंदर की तस्वीर देख लो। हाँ देखो तो।
अब तो तेरा बेटा बड़ा आदमी हो गया, अखबारों में तस्वीरें छपनी शुरू हो गई उसकी। मैं अपने रसूख से चंद्र को जज बनाऊंगा, जज बनने के बाद जहेज बहुत आएगा। हाँ हाँ, जहेज की खातर कर दो बूढ़ा मेरे बेटे को। मैं कहती हूँ 5 बरस तक और शादी न हुई तो जहेज के बजाय घर से रकम देकर ब्याहना पड़ेगा बेटे को, समझे? मैं थोड़ा ही चाहता हूँ कि उसकी शादी में देर हो। उस पर असर हुआ है चिमन और तेरी राधिका के ख्यालात का। अब देखो ना, शादी करता ही नहीं, बड़ा चला कमाने को। चिमन और राधिका को ना घर से निकालते, ना उनके ख्यालात बदलते, ना मेरे चंद्र की शादी में देर होती। उनको घर से मैंने निकाला है। और किसने निकाला? चुप रहे, ये सब तेरे गुस्से का नतीजा है, समझी? ना जाने मुझे ही क्या हो गया था, मैं ही मना लाती हूँ अपनी बेटी को, चंद्र उसकी बात कभी नहीं टालेगा। नहीं, इस बारे में राधिका की सलाह मत लो। हाँ, चिमन को बुला लो। अरे आखिर अपनी ही तो बेटी है, खबरदार उसे बुलाए तो। मुझे धमकियां देते हो, आओ। मुझे डांटते हो, आओ। इसलिए कि मेरा मेके में कोई नहीं, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है। मैं जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊँ, घड़ी घड़ी डांटी देते हैं मुझे। मत रो, तू इस घर की रानी है, तेरे बगैर कुछ हो सकता है। चिमन को बुला लो, राधिका को बुला लो, सारे मोहल्ले को बुला लो। बुला लो सबको। झूठ मूठ का रोना था नहीं, ये रोने का बहाना था नहीं। देखो भैया, बहाने मत बनाओ, है हम सब समझते हैं। हाँ। देखो चंद्र भाई, जिस दरिया के किनारे पे तुम खड़े हो हम पहले ही पार कर चुके हैं। अब तुम्हें अगर हमारी मदद की जरूरत हो तो साफ साफ कह दो। हाँ। देखो भाई, रूपा, अब कुछ कहोगे भी के सोचते ही जाओगे। रूपा, रूपा लड़की तो अच्छी लगी, तू उसमें शक्की क्या है, वो तो है ही अच्छी। अब अगर वो मान जाए, अब आए हो सीधे रास्ते में। देखो भाई, जहाँ तक रूपा और उनके घर वालों का ताल्लुक है, उनको तो मैं मना लूंगा, बाकी तुम्हारे माँ और बाप के सामने अपनी नहीं चलती। अरे उनको राधिका मना लेगी? बाप बेटे, एक को मैं मना लूंगा, दूसरों को राधिका मना लेगी, और जिसे ब्याह करना है वो मियाँ मिट्ठू बन के बैठेगा। अरे वाह, अरे कुछ तुम भी करो, आखिर मर्द हो। देखो मैं उनको मना लूंगा। साफ साफ तो कह रहा है कि गांव वालों को ये मना लेगा। अच्छा, गांव वालों को? तू क्या समझी थी? देखो देखो देखो, उस दिन आज जो मैंने पर्स देखा था, उसमें मेरे कुछ कागजात थे और एक मेरी तस्वीर भी रह गई। तस्वीर भी रह गई थी, वो ये जानबूझकर छोड़ा है कि हम जाएंगे और फिर आंख से आंख मिलेगी, दोनों के दिलों में प्रेम की आग सुलगेगी। राधिका, उसका नतीजा मालूम क्या होगा? क्या? शादी। हाँ भाई, ये तो तय हो गया, अब थानेदार और सिपाही को तुम ही निपट लेना। ये खत माता जी ने दिया है। हाँ, क्या मौके पे बताया, कुछ तो लिखा होगा। लो भैया, कुआं प्यासे के पास आ गया। अच्छा अच्छा, मुझे लिख भेजा है कि चंद्र को शादी के लिए मना लो। चलो चलो, हम आऊंगा, काम कर लेते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। नमस्ते माता जी, तुम लोग आ गए सब, बैठो बैठो। माँ बुलाए और बेटी ना। शाबाश, बाप हुकुम करे और बेटा बजाने ना। चंद्र मान गया है ना? अरे चंद्र क्या, चंद्र का बाप भी मान जाएगा? उनका मतलब है कि बाप का कहा बेटा कैसे डाल सकता है। हाँ पिताजी, मेरा मतलब यही था, आपने गलत समझा। क्यों चंद्र भैया, मान गए ना? मानेगा कैसे नहीं, माता पिता का हुकुम और बहन की बिनती टुकरा सकता है। क्यों भैया? जो पंचों की राय। हाँ अच्छा, तो अब ये तो तय हो गया कि भैया की शादी होगी और जितनी जल्दी हो सकेगी होगी। लेकिन पिताजी, लड़की का सवाल बाकी है। लो भाई, लड़कियों की क्या कमी है, परसों ही सेठ बिहारी लाल के घर से रिश्ता आया है, उनकी कोई 10-12 लड़कियां हैं, उनमें से 2-4। पिताजी, अब मेरा मतलब था एक लड़की। बस बस बस, क्या चुनाव है आपका? वो पढ़ी लिखी दिन भर गिटमिट गिटमिट करती रहती है, मुझे घर में बहू लानी है, कोई मैम नहीं। अगर तू क्यों बिगड़ती है, मैंने हाँ तो नहीं कह दी? मैं तो अपनी सहेली कमला की लड़की से ब्याहूंगी अपने चंद्र को। हाँ, यानी वो विधवा की लड़की से? अरे वाह, न घर ना घाट और अनपढ़ गंवार। अनपढ़ गंवार पढ़े लिखे से अच्छे होते हैं। हाँ, बस तू तो अपने जैसी लाना चाहती है। तू क्या, मैं बुरी हूँ? रात दिन आपकी सेवा करती रहती हूँ, उसका मुझे ये फल मिलता है? चुप रहे। देखो माँ, यही तो गड़बड़ है ना, अब जो रिश्ता पिताजी को पसंद है वो तुमको पसंद नहीं होता, और जो तुमको पसंद होगा वो पिताजी को पसंद नहीं होगा। क्यों? अच्छा, इससे बेहतर यही है कि आप लोग चुनाव मुझे छोड़ दें। क्यों? भाई साहब, मैं अभी तक जिंदा हूँ, मरा नहीं। देखा, माँ बाप के होते हुए बेटे खुद शादी कर ले, ये भी कल युग देखना था मुझे। अगर आप लोगों को एतराज न हो तो मैं कुछ कहूँ। हाँ, हाँ,
जब मियाँ बीवी की राय में फर्क है तो बेटी और दामाद का फर्ज है कि इस मामले को सुधार दे। देखो चमन, हाँ, हाँ, अगर चंदर और उसकी माँ इस बात में दखल न दे तो मेरा तुम पे पूरा विश्वास है। देखो चंदर और उसके पिता बीच में दखल न दे तो मैं सब काम तुमको सौंप दूँगी। देखो, हाँ, और अगर पिताजी और माताजी इस बात में दखल न दे तो मैं, मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। मंजूर है? हाँ। जब तुम लोगों को मंजूर है तो हमें भी मंजूर है और भगवान को भी जरूर मंजूर होगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि, और बाकी सवाल कौन सा है पिताजी? सवाल ये है कि राधिका का वक्त बहुत कीमती है। सर, वो तो भैया के लिए कुर्बानी करनी ही होगी। अच्छा भाई साहब, आप साहबान ने जो अल्फाज मुंह से निकाले हैं उनको पूरा करने के लिए आप सबको कसम खानी होगी। कसम खाता हूं। मैं भी कसम खाती हूं। देखो चिमन साहब, ये हमेशा झूठी कसम खाती है। लेकिन लेकिन चिमन भैया, मैं सच्ची कसम खाता हूँ। अगर आप लोग कसम खाते तो हम भी कसम खाते हैं, तो इस बेरे को पाल लगाएंगे और जरूर पाल लगाएंगे। क्यों डार्लिंग? ओके ओके, ये नया जमाना है। बाय बाय की बच्ची। क्या देख रही हो दीदी? कुछ नहीं गुलाब, बाहर देखना कौन है। दीदी दीदी, कोई तुमसे मिलने आया है। सूट बूट टोपला साहब है, साहब वही है दीदी जिसका तुम फोटो देख रही थी। जाओ उन्हें अंदर बुलाना। नमस्ते। ये है मेरे मोती भैया, ये मेरा छोटा भाई गुलाब। हम तो इनके भाई हैं, लेकिन आप कौन हैं? भैया वो उस रोज आए थे ना बाबू चमनलाल और उनकी पत्नी राधिका, जिनसे आपने बीमा कराया था। हाँ हाँ हाँ। ये राधिका के भाई चंद्र बाबू है। ओ, तशरीफ रखिए। तो आज चमन बाबू के साले हुए गुलाब। भैया ये कोई गाली तो नहीं? जिस किसी की बहन है उसे एक ना एक दिन साला बनना ही होगा। आप हैं बम्बई के मशहूर वकील, मुजरिम को साफ रिहा कराना इनका खास कमाल है। लेकिन हमारे पास तो इनकी सेवा करने को कोई मुजरिम नहीं। कानून की आंखों में धूल डालना ये समाज की सेवा समझते हैं। देखिए मुझे और शर्मिंदा न कीजिए, उस दिन आपकी बातों का मुझ पर इतना असर हुआ कि अब मैंने फैसला कर लिया कि झूठा मुकदमा कभी नहीं लड़ूंगा। शुक्र है भगवान का। और उस मुकदमे की फीस भी मैंने बट्टे में डाला, आपके स्कूल की भेंट कर दी थी। हमारा स्कूल और गाँव आपका शुक्र गुजार है। और उस बट में चंद दरअसल मेरे जरूरी कागजात थे और उन्हीं को लेने के लिए मैंने आज आपको तकलीफ दी। आपका असबाब वगैरह कहाँ है? स्टेशन पर। घर होते हुए आप स्टेशन पर क्यों ठहरेंगे? आपको तकल्लुफ नहीं करना चाहिए। शायद शर्माते हैं क्यों जी? आप आराम कीजिए, मैं आपका सामान मंगवाने का बंदोबस्त करता हूँ। हम आपको सारे गाँव की सैर कराएंगे। यहाँ हरे भरे खेत है, दरिया है, मंदिर है। क्यों साहब आप पूजा करते हैं? अरे भाई हम पुजारी ही बन के तो यहाँ आए हैं। अच्छा साहब, हम जाते हैं स्कूल, फिर मिलेंगे। अच्छा जाओ। चलिए आपको सैर करा लाए। चलिए। ये हमारे खेत हैं, हमारे अन्नदाता हैं। ये सारे देश के अन्नदाता हैं। कितनी शांति है, कितना सुकून है यहाँ की हर चीज में। गांव भगवान की देन है और शहर इंसान की लूट। ये है हमारे गांव का स्कूल। अच्छा, तब तो मुझे इसकी पूजा करनी चाहिए। क्यों? यही तो हमारी मुलाकात का बायस। ये है देवी का एक छोटा सा मंदिर। मैं यहाँ रोज फूल चढ़ाने आती हूँ। शुक्रिया। आप भी करेंगे देवी की पूजा? मैं तो कर ही रहा हूं। इसमें सोचने की कौन सी बात है? देखिए क्या सूरत है। जैसी सूरत है वैसी सीरत। हाँ हाँ, लड़की तो हमें पसंद है, लेकिन इसके
माँ बाप कौन है, इसका घर बार कैसा है, कुछ तो मालूम होना चाहिए। इस बेचारी के माँ बाप गुजर चुके हैं, दो भाई हैं, जमीन है, मकान है, अच्छा खाता पीता खानदान है। अच्छा आप फिर भी जहेज बगैर की बात तो करनी चाहिए। पिताजी जो बन पड़ेगा देंगे, आखिर उनकी एक ही तो बहन है। पिताजी उसके भाई ने मुझसे बीमा भी कराया है। बीमा भी कराया है? हाँ। तब तो अच्छे क्या, बहुत अच्छे। हाँ फिर भी पहले बातचीत तो होनी चाहिए, आखिर देंगे क्या। पिताजी आप शहर के मशहूर सेठ हैं, आप जहेज मांगे ये आपकी शान के खिलाफ है। मेरे ख्याल में पिताजी अगर आप जहेज का नाम न ले तो अच्छा है। क्यों क्यों? ये बात है ना कि अगर उन लोग ने बहुत रुपए देके आपके बेटे को घर जवाई बनाया तो मेरे जैसा हाल होगा उस बेचारे का, और आप अपने बेटे को भी खो बैठेंगे। हाँ ठीक है, हमें जहेज नहीं चाहिए। चल चल, हमें जहेज नहीं चाहिए। मेरे बेटे को हाथ से खोना चाहते हो? आपके जो उसकी शादी रुक गई तो मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। हाँ क्या करेगी तू है? मेरे मायके में कोई नहीं इसलिए मुझे धमकियां देते हो। मैं आज ही बगैर टिकट के गाड़ी में बैठकर हरिद्वार जाती हूँ और गंगा जी में जाके छलांग लगाती हूँ। अरे क्यों गंगा जी को खराब करती हो? माता जी मैंने सुना है बहुत ठंडा पानी है गंगा माता का। तुम भी मेरा मजाक उड़ाते हो। नहीं तो मेरी इज्जत है कहाँ, काश मेरे माँ बाप होते, मेरा कोई सगा संबंधी होता तो मैं वहाँ चली जाती, लेकिन जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी। अरे न रो न रो न रो न रो, अरे तू तो इस घर की रानी है, तेरे मर्जी बगैर मैं कुछ कर सकता हूँ? तू चंदर की माँ है, तू जहाँ चाहे वहाँ उसे ब्याह दे। चिमन जा जल्दी जाके शादी के इंतजाम कर। बहुत अच्छा माता, और अभी पे आज एक मेहमान आएगा, वो नूर सारी दुनिया पे अपना लुटाएगा। आसमां पे आज एक मेहमान आएगा, वो नूर सारी दुनिया पे अपना लुटाएगा। निकला नहीं मैं चांद सितारे में बेकरार, निकला नहीं मैं चांद सितारे में बेकरार। है किसका इंतजार, है किसका इंतजार, चंदा का इंतजार है, चंदा का इंतजार। तारों की टोलियों पे कैसा है ये निकार, है किसका इंतजार, है किसका इंतजार। खामोश की जुबां पे खामोश का ठिकाना, खामोश की जुबां पे खामोश का ठिकाना। बज रहा है अपने आप दिल का तार तार, बज रहा है अपने आप दिल का तार तार। है किसका इंतजार, है किसका इंतजार, चंदा का इंतजार है, चंदा का इंतजार। तारों की टोलियों पे कैसा है ये निकार, है किसका इंतजार, है किसका इंतजार। अभी तक जाग रही हो? ओह भैया मैं मेहमान को पानी लेने आई थी। तो क्या ये बाहर ही सो रहे थे? गुलाब रूपा तुम अंदर जाओ। चंद्र बाबू जी ठंडे ठंडे हवा चल रही है, आइए जरा बाहर घूमें। चलिए क्यों मती भैया? चंद्र बाबू आप हमारे मेहमान हैं और हम गांव वाले मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। मैं आपका बहुत मशहूर, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है। आप अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं और रूपा दो भाइयों की बहुत ही प्यारी बहन है।
अगर आपको अपनी दौलत पर फख्र है तो हमें अपनी इज्जत पर नाज है। मुझे आपका रूपा से इस तरह मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो आपसे शहर और गांव में बहुत फर्क है, वहां पड़ोसी भी एक दूसरे को नहीं जानते और यहां सारा गांव एक किस्म की बरादरी है। आपकी दौलत आपके धब्बों को छुपा देगी, लेकिन हम गरीबों की इज्जत ही हमारी पूंजी है। मैं अपने कसूर को मानता हूं मोती भैया, बाकी मुझे पहले ही आपसे कह देना चाहिए था कि मैं रूपा से शादी करना चाहता हूं। शादी कोई खेल नहीं है। मैं अचानक इस फैसले पर नहीं पहुंचा हूं मोती भैया, बहुत सोच विचार के बाद अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह महसूस करते हुए मैं यहाँ आया हूँ। अब मेरी किस्मत आपके हाथ में है। आपने अपने माँ बाप से पूछा है? मेरे माँ बाप बड़े आज़ाद ख्यालात के मालिक हैं। लेकिन हम लोग इतने आज़ाद ख्यालात के मालिक नहीं। मोती भैया शहर और गांव में इतना फासला नहीं जितना कि आप समझ रहे हैं। शहर और गांव में तो ज़्यादा फासला नहीं, लेकिन अमीरी और गरीबी में बहुत फासला है। आज मेरी बहन का भोलापन आपको भा गया है, लेकिन कल जब उस भोलेपन पर गरीबी के बादल छा जाएंगे तो मुमकिन है वो आपकी नजरों से गिर जाए, तब क्या होगा उसकी जिंदगी का। मैं वादा करता हूँ कि रूपा को हर तरह खुश रखना अपना फर्ज समझूंगा। लेकिन फिर भी जिस तरह रूपा की शादी के लिए मेरी राय जरूरी है, उस तरह आपकी शादी के लिए आपकी माँ बाप की राय होना बहुत जरूरी है। मुझे वो अपनी रजामंदी दे चुके हैं मोती भैया, मुझे अब सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। रूपा, अगर आज माँ जिंदा होती तो वो ये सब बातें तुमसे कहती, लेकिन अब मुझे ही कहना पड़ेगी। क्या बात है भैया? बात यहाँ तक बढ़ गई और तुमने मुझसे जिक्र तक ना किया। मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी रूपा। भैया, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फर्ज है तुम्हारा ब्याह। भैया, चंद्र एक अमीर खानदान का लड़का है और तुम गरीब भाइयों की बहन है। कोई मेल दोनों में? जो सुनहरी ख्वाब तुम देख रही हो उसकी बड़ी ही भयानक तस्वीर मेरी आंखों के सामने घूम रही है। रिश्ते बराबर के आदमियों के हुआ करते हैं रूपा। सब अमीर एक जैसे नहीं होते भैया। अमीरों की दुनिया ही और है, उनके महलों की ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, जिन दीवारों के बाहर न कहकहों की आवाज सुनाई पड़ती है और न चीखों की। नहीं भैया, अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी किस्मत में चीखें ही लिखी हैं तो फिर हमारा क्या हश्र होगा भैया। रूपा, तुम गांव की एक भोली भरी लड़की हो और वो शहरी बहरूपी है, कहीं तुम्हारी सादगी मजाक न बन जाए। नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं खुशी के साथ इस शादी की इजाजत नहीं दे सकता। तुम्हें दुख होगा तो माता जी की आत्मा को दुख होगा। भैया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। आंसू ना बहा रूपा, तेरा भाई इतना संग दिल नहीं जो बहन के आंसू देख सके। नहीं, मैं तुझे इस हालत में कभी नहीं देख सकता। भैया, तुम कहां जा रहे हो भैया? नहीं तो गुलाब। भैया, क्या बात है? जिस मकान में हम रहते हैं ना, उसमें आधा हिस्सा तुम्हारा है और आधा मेरा। और दीदी का हिस्सा? लड़कियों का हिस्सा बाप की जायदाद में नहीं होता। अगर इतने खुद वर्ष हो तो सारा मकान तुम ही ले लो, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। गुलाब, तुम अपनी दीदी को बहुत प्यार करते हो ना? कौन भाई अपने बहन से प्यार नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि रूपा को रानी बना दूं, किसी राजा से ब्याह कर दूं उसका, वो महलों में रहे, मोटों पे चढ़े। भैया, अगर ये हो जाए तो मैं तुम्हारा सारी जिंदगी भर ना भूलूंगा। लेकिन तू तो गरीब ही रहेगा। दीदी तो सुखी रहेगी। हमें इस काम के लिए रुपए की जरूरत पड़ेगी, मकान बेच देना पड़ेगा। मकान छोड़ भैया, मुझे ही बेच दो, लेकिन दीदी को रानी बना दो। पगले, याद रख, तू तो गरीब ही रहेगा, वो शायद अमीर बनकर हमारी तरफ से मुंह फेर ले। लेकिन मैं तो उसकी तरफ देख सकूंगा, दूर ही से देखा करूंगा और देख के खुश होऊंगा। लेकिन बड़ा होकर कहीं मुझे कैद न करा देना कि भैया मेरा हिस्सा हड़प कर गया। नहीं भैया, मैं तो तुम्हारे पांव धो कर पीऊंगा। गुलाब, भैया मेरा बीमा तेरी अमानत रहेगा, अब हमें शादी की तैयारी करनी चाहिए। चलो चले।
तिरछी ना तिरछी नजर से किसी का इकरार करते हो तुम बेबसी का भोली सी बातें सुनाते भूले आए साथ दरिया किनारे भूले आए साथ दरिया किनारे बदनामी छुपाती। अगर चिमन हमारे घर के मामले में दखल ना देता तो आज ये गुल ना खिलते। देखिए माताजी, अगर आपने उनके लिए खबरदार उसका नाम लिया तो अगर चिमन मेरे सामने होता तो थप्पड़ मारती उसके मुंह पर। देखिए अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो मैं फौरन यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ चली जा, धमकियां किसको देती है माताजी? मुझे अपनी बेइज्जती की तो परवाह नहीं, लेकिन कम से कम दूसरी लड़की बड़ी आई दूसरी लड़की का ख्याल करने वाली। चली जा। रूपा, हे भगवान, तू आज ही रूपा का नाम लेना शुरू कर दिया। माँ बाप घर में है, कुछ तो शर्म कर। माताजी, वकीलों की जमात ने मेरी शादी की खुशी में दावत दी है। अच्छा अच्छा, हो आना। पर माँ, हम दोनों को जाना होगा ना? अरे पागल हो गया है, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? माँ तुमको नहीं, रूपा को और मुझको जाना। रूपा को? बेटा जानते हो किससे तेरी शादी हुई है? बेटा हम लोग तो लुट गए, चिमन ने हमको धोखा दिया है। धोखा? क्या हुआ, क्या बात, क्या है माँ? क्या कहूँ बेटा, वो एक नाचने वाली लड़की है कमला, और उसकी लड़की ने उसे थिएटर में देखा है। अरे माँ तुम भी। अरे हंसता क्या है? पर माता जी, वो तो स्कूल के चंदे के लिए था, तो उनको मालूम है कि आजकल ये बात इज्जत की समझी जाती है। हे भगवान, आजकल के लड़के लड़कियों को क्या हो गया है? बहन कला कहती है, भाई इज्जत,
आग लगे ऐसी पढ़ाई को। अच्छा तो माता जी फिर हम जाएं? जाएं? क्या उसे अपने क्लब में नचवाएगा? मैं नहीं जाने दूंगी, आगे काफी बदनामी। माता जी जमाना कहाँ का कहाँ पहुँच गया, पर आप लोग वहीं के वहीं रहे। अरे जमाने के साथ चलिए आप। अरे मैं जूता दिखाती हूँ तुम्हारे जमाने को, बढ़ाया हमें जमाने के साथ चलाने वाला। देखो देखो तुम्हारे हाथ में जूता कितना अच्छा लगता है। क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने कहा देखो वहाँ वहाँ जाना जरूरी है। तुम जा सकते हो, उसे नहीं जाने दूंगी समझे। आज तक हम लोगों पर हंसते थे, आज बिरादरी वाले हम पर हंस रहे हैं। हे भगवान, ये भी दिन देखना था मुझे। झगड़ा इस बात का है, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं तो यूं भी आपके साथ ना जा सकूंगी। रूपा, रूपा सुनो, रूपा रूपा ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते रूपा। आप हो आए ना। देखो दावत तुम्हारी खुशी में दी गई, थोड़ी देर के लिए बस चली चलो, हम बस आध घंटे में लौट आएंगे। लेकिन मेरी तबीयत। मैं समझ गया, माता जी की बातों ने तुम्हारी तबीयत खराब कर दी है ना। छोटी सी बात के लिए घर में नाराजगी भी तो ठीक नहीं। और मेरी नाराजगी का कोई ख्याल नहीं तुम? आखिर मेरा भी तो कुछ हक है तुम पर। आपका हक मेरे तन मन पर है, चरणों में पड़ी हुई दासी पर मालिक का हक ना होगा तो और किसका होगा? तो फिर नहीं नाथ, यही बेहतर होगा कि आप हो आए। माता जी का हुक्म मानना भी तो मेरा फर्ज है। सुनो रूपा, मुझे प्यार से माता जी के गुस्से और नफरत को जीतना है। आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप हो आए नाथ, जाइए जाइए ना। अच्छा रूपा, तेरे भाइयों को शर्म नहीं आई थी ऐसे चितड़े देते हुए? किसी कबाड़ी की दुकान से खरीदे थे या किसी धर्मशाला में बैठ के भीख मांगी थी? माता जी मेरे भाई गरीब हैं। अरे गरीब थे तो इतने बड़े घर में बहन को ब्याहने का उनका क्या हक था? सोचा होगा एक लड़का है, चलो बहन के पीछे भाई भी तर जाएंगे। माता जी इसमें मेरे भाइयों का क्या कसूर है? आप मुझे जो चाहे कह सकती हैं, मगर मेरे भाइयों को क्यों कोसती हैं? उनको क्यों ना कोसूं, बड़े आए हैं नवाब साहब के बेटे। लेकिन औरों को क्या कहूं, मेरे अपने ही दामाद ने ये धब्बा लगाया है। अरे आ बुड्ढू चंपा। अरे माँ जी। जी माँ जी। ये उठाओ सब कपड़े, बांट लो वापस में। अरे उठाओ, देखते क्या हो। बाकी रह गए हैं जेवर, वो मंदिर में भिजवा देती हूँ। दयालु वो बिचारी की तरफ एक नजर तो देखते क्या गुजर रही थी उसके दिल पे। वो काम बहू बिचारी जो सब कुछ सह लेती है, और कोई होती तो दिमाग ठिकाने लगा देती बुढ़िया का। अरे हो, क्या कर रहे हो, रख दो ये सब जहाज, निकल जाओ यहाँ से। माता जी अगर जायज बहुत ज्यादा हो और आप नहीं संभाल सकती तो बंदा हाजरा संभालने के लिए। घाव लगाकर जख्मों पर नमक छिड़कने आए हो? नहीं तो हम लोगों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो ऐसी बहू घर में लाए हो? अरे माता जी चार चार चिराग लेकर भी ढूंढो तो ऐसी बहू नहीं मिल जाती। आपको तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए हमें। आइए सारा शहर धन्यवाद दे रहा है, तुमने राख डाली हमारे सर में दोनों के। मेरा तो शर्म के मारे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अच्छा? शहर के कुत्ते भी भौंकते हैं मुझ पे। कुत्तों को भी मालूम हो क्या? अरे सब पूछते हैं कि ऐसा ऐब क्या था चंद्र में जो उसको गांव में जाके बिहा दिया। अरे अभी सुना ही क्या है तुमने, हमारा तो शहर में रहना मुश्किल हो गया है। माता जी तो फिर गाँव चले जाइए। चुप रहो, ये जी मैं कहती हूँ इससे मेरे घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो मारोगे लफड़। और हाँ सुना तुमने, शादी के पहले तुम्हारी बहू थिएटर में नाच रही थी छुम छुम। बाग में कोयलिया ये भी गाए, बाग में कोयलिया ये भी गाए, नई जवानी लौट ना आए, नई जवानी लौट ना आए। खिले खिले कलियों को हमरा बार बार समझाए, समझाए, बार बार समझाए, कई दवा
जमाने में और कहाँ है, आज जमाने में हम गए हम उन्हें बेहिंद राय, यही जमाने लौट ना आए, यही जमाने लौट ना आए, बाग में कोयलियाँ ये भी गाए, बाग में कोयलियाँ ये भी गाए, यही जमाने लौट ना आए, शोर मचा रखा है, ये शरीफ आदमी का मकान है या भंडों का? आप क्या कह रहे हैं? आप क्या ये शहर में मशहूर करना है कि घर में ऐसी बहू आई है, तुझे शर्म नहीं आती सामने बहू को नचाते हुए? रूपा चल यहाँ से, अरे मुंह क्या देखती, चल चला। क्यों भाई, चंद्र बाबू घर में हैं? वकील साहब घर में नहीं है। दीदी तो घर में है। क्या कहा? हम रूपा के भाई हैं। आप बहू रहने के भाई हैं? आइए आइए तशरीफ लाइए, माता जी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। आइए। नमस्ते सेठानी जी। अरे बुद्धू, तुम्हें हजार मर्तबा कहा है कि हमें और नौकरों की जरूरत नहीं, ये सब रिश्तेदार कहाँ से लाता है? माँ जी, ये बहू रानी के भाई है। हाँ? अरे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जा अपना काम कर। नमस्ते माँ जी। नमस्ते सेठ जी। कौन? क्यों बे बेशर्म, मेरा मगज चाटने क्यों आया है? जा ऊपर जा, तेरी बहन ऊपर मरती है। भैया ये कैसे लोग हैं, नमस्ते का जवाब ही नहीं देते, क्या शहर वाले इतने बदतमीज होते हैं? गुलाब चलो ऊपर चले। दीदी दीदी, गुलाब गुलाब भैया। रूपा। दीदी मैं तुम्हारे लिए गांव से फल लाया हूँ, कहाँ रखूँ इन्हें? वहां रख दो। कब आए भैया? सीधे यहीं तो चले आ रहे हैं। गुलाब दीदी, तुम इतने अच्छे फल खाती हो, तुम्हें ये फल पसंद नहीं आएंगे? नहीं गुलाब, तुम्हारे फल और मुझे पसंद ना आए, कोई क्या जाने कि इनमें मेरे प्यारे भाइयों का कितना प्यार भरा है। दीदी अब हम हमेशा के लिए यहाँ आ गए हैं और भैया भी यही काम ढूंढ लेंगे। भैया? हाँ रूपा, तुम चली आई और घर सूना सूना हो गया। मैंने मकान का कब्जा महाजन को दे दिया है, यहाँ गुलाब की तालीम भी अच्छी तरह हो सकेगी और तुम भी आंखों के सामने रहोगी। रूपा ये तो बताओ, तुम सुखी हो? बहुत सुखी हूँ भैया, मैं क्या थी और क्या बन गई, एक गरीब गंवार लड़की, भाइयों ने उसे महल में पहुंचा दिया है। सास ससुरे तो अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। बहुत अच्छा। रूपा आई माता जी, मैं अभी आती हूँ भैया। तेरे भाई यहाँ क्यों आए हैं? मुझे मिलने आए हैं। तो अभी तक मिलना मिलाना खत्म नहीं हुआ, चले आए हैं बोरी बिस्तर बांध के जैसे उनके बाबा की जागीर है इधर में। उनसे साफ साफ कह दो इस घर में नहीं रह सकते,
बहन के घर में जो भाई रहता है वो कुत्ता कहलाता है। हाँ माता जी कह रही थी तुम्हारे भाई आए हैं, उनकी अच्छी तरह खातिर करना। तो फिर करो ना खातिर। कहो क्या चाहिए। दीदी तुम्हारा मकान तो बड़ा शानदार है। तुम लोगों की बदौलत है। दीदी इस डब्बे में क्या है? रेडियो। सुनोगे? रेडियो करवट तो बदलने दे, आए दर्द जरा दम ले, करवट तो बदलने दे, अरमान भरे दिल को, अरमान भरे दिल को, पहलू में संभलने दे, आए दर्द जरा दम ले, करवट को बदलने दे। जी खफा हो रही है, रेडियो बंद करने को कहा है। किस जंगली घर की बहू आई है, इनके रिश्तेदारों का मुंह देख देख कर हमारे नौकर भी हंस रहे हैं। अच्छा रूपा अब हम लोग चलते हैं। इस वक्त कहाँ जाओगे भैया? बहन के घर तो नहीं ठहर सकते। उनको तो आ लेने दो। नहीं अब बहुत रात हो गई है, अभी कहीं ठहरने का ठिकाना भी ढूंढना है, और फिर अब तो यही है, मिलते रहेंगे। अच्छा चलो गुलाब। अच्छा दीदी। जीजा जी भैया, जीजा जी। अरे बाबा गुलाब गुलाब। मोती भैया नमस्ते। नमस्ते भाई। यार अभी चले आ रहे हैं। जीजा भैया हाँ। अब हमेशा के लिए यहाँ आ गए। अच्छा तो क्या नौकरी? फिर नौकरी वगैरह यहीं कहीं शहर में ढूंढ लूंगा। बहन चली आई, हमारा भी जी गांव में नहीं लगा। तो फिर चलिए अपने घर चलिए। नहीं फिर कभी मिलेंगे, अभी कहीं मकान वगैरह ढूंढना है और ये सामान भी ठिकाने लगाना है। अरे तो ये घर किसका है मोती भैया? नहीं आप भी क्या बातें करते हैं, बहन के घर तो नहीं रह सकते। आप भी दसवीं सदी के लोगों की तरह बातें कर रहे हैं मोती भैया। चलिए आइए आइए चलो बोला। आपकी माता जी कह रही थी जो भाई अपनी बहन के घर रहता है वो कुत्ता कहलाता है। गुलाब अच्छा भैया फिर कभी मिलेंगे, चलते हैं। चलो गुलाब। जीजा भैया रोज रोज मिला करेंगे। मुझे भैया और भाभी की हालत पर बहुत रहम आता है, डरती हूँ उनका अंत क्या होगा। क्या करें हम कुछ कर भी तो नहीं सकते, तुम्हारे माता पिता को समझाने में तो 99 का घाटा है, जो समझाता है वही बुरा बनता है। लेकिन फिर भी हमें चंद्र भैया के लिए एक दफा कोशिश और करनी चाहिए। तुम्हारे भैया से ज्यादा तो मुझे बेचारी उस भोली भाली लड़की का ख्याल है, क्या करूं कुछ कर नहीं सकता, सास के सामने जाता हूं तो डर लगता है। खैर माता जी से तो बात करनी फजूल है। हाँ
मैं पिताजी से साफ साफ जाकर कह देती हूँ। पिताजी आप इस घर में सबसे बड़े हैं और अगर आप ही कानों में रुई डाल लेंगे तो इंसाफ कौन करेगा? क्या बात है? एक भोली भाली बेजबान लड़की इस घर में बहू बनकर दाखिल हुई है और उस पर इस किस्म के गए हैं, उसके भाइयों को गालियां दी जा रही हैं और आप बैठे तमाशा देख रहे हैं। राधिका। और इतना ही नहीं पिताजी, चंद्र भैया की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है, वो अंदर ही अंदर घुले जा रहे हैं, न बीवी को दिलासा दे सकते हैं न माँ के सामने कुछ बोल सकते हैं। अगर आपने ये सब कुछ ना रोका पिताजी तो किसी दिन बहू बेटे दोनों से हाथ खो बैठिएगा। तुम ठीक कहती हो राधिका। ठीक क्या कहती है, शर्म नहीं आती? माँ के खिलाफ बाप को भड़काती है, कल वो इस घर में आए और तुम सबकी बड़ी बन गई। हेलो, हाँ मैं हूँ, कौन? मुनीम जी, क्या कहा? 1.5 लाख का नुकसान? हाय, 1.5 लाख का नुकसान, लूट गए हम, घर बर्बाद हो गया हमारा। चुप रहे, ये सब तेरी बदौलत है और जुल्म करो बहू पर। मैं ही बुरी हूँ, सब इल्जाम लगाओ मुझ पर। जब मेरे कदम इस घर में पड़े थे तो सबके भाग जाग उठे थे, जब उसके मनहूस कदम इस घर में पड़े तो नुकसान ही नुकसान होने लगा, मनहूस कहीं की। माता जी मैं भी तो आपकी लड़की हूँ, अगर मेरे ससुराल वाले मेरे साथ ऐसा सलूक करें तो बड़ी खुशी होगी आपको देखकर। वो बेचारी किसी के सामने बोलती नहीं इसलिए उसके चुप रहने का सब फायदा उठाते हैं। तू भी बोलने लगी? चुप रह। भैया ये सब आपका कसूर है, पति पत्नी की रक्षा ना करे तो और कौन करेगा? दुनिया तो तमाशा देखने के लिए है, आपने इन सबको सर पर चढ़ा रखा है, जो आज बहू की इतनी बेइज्जती हो रही है। बेटा 1.5 लाख का नुकसान हो गया। लुट गए हम बेटा, ना उसके मनहूस कदम इस घर में पड़ते ना हमको ये सब नुकसान होता। माता जी आपको ऐसी बातें करते शर्म आनी चाहिए। आप जो फायदा होता है तो आप लोगों की जेब में जाता है, जो नुकसान होता है तो उस खरीद पर बन गया। तू भी बोलने लगा? इसकी शराफत और नरमी का ये फल दे रही है आप उसे? सच्ची बात तो कहनी ही पड़ेगी, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे भली। आपको सच कहना नहीं आता माता जी, आपकी जबान सिर्फ जहर उगलना जानती है। मैं पंडित को बुला के फैसला करती हूँ, ज्योतिष तो झूठ नहीं कहेगा पर जान पड़ेगा किसने हमारी किस्मत पलट। चुप रहेगी या नहीं? भैया कोई नौकरी मिली? नौकरी तो एक जगह मिलती थी लेकिन चंद्र के पिता ने जमानत देने से इनकार कर दिया। मैं चंद्र भैया से कहूंगा। अरे पगले, बाप की शिकायत बेटा क्या सुनेगा? भैया कितने की जमानत मांगते हैं? 500 रुपए की। शेर चुनीलाल जुबानी ही कह देते तो बहुत काफी था लेकिन वो तो मुझे पहचानते भी नहीं। अच्छा मैं जाता हूँ। कहाँ? दीदी के वहाँ। दीदी, गुलाब। दीदी चंद्र भैया कहाँ है? वो तो पूना गए हैं किसी मुकदमे के लिए। वो पूना गए हैं? क्यों, क्या बात है? भैया को नौकरी मिलती है मगर 500 रुपए की जमानत चाहिए और चंद्र भैया ही पूना गए हैं, हमारी किस्मत। गुलाब ठहरो। ये लो गुलाब। क्या दे रही है भाई को? अरे राम राम, इतने रुपए? हमारा घर लूट लूट कर भाइयों का घर भर रही है। हे भगवान, किन भिखारियों से हमारा पाला पड़ा? माता जी, चोर कहेगी, दिन दिहाड़े डाका डाल रही है। ये रुपए तो मुझे उन्होंने दिए थे, भाई को तो उधार दे रही थी। उधार दे रही थी? इतने रुपए सारी उम्र उतार सकेगा तेरा भाई? खबरदार, इस घर से इतना से भी दिया तूने तो, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है, जा यहाँ से। अच्छा ये जेवर तो मेरे जहेज के हैं, ये लो। अरे पागल हो गई हो? आप तो दान दे रही थी। अरे दान तो ब्राह्मणों को दिया जाता है, ना के इन कंगालों को। इस घर का कूड़ा करकट भी इनको नहीं मिल सकता, निकल यहाँ से। जा गुलाब और फिर कभी इस घर में ना आना, इस घर में इंसान नहीं जानवर बसते हैं। जानवर? कौन है जानवर? तेरा पति है, तेरे सास ससुर? दीदी दीदी के बच्चे, निकल यहाँ से। जा गुलाब और भैया से ना कहना, उन्हें बहुत दुख होगा। माता जी पंडित जी आए। पंडित जी आए हैं? अच्छा अच्छा, ये लो। क्या बताऊं पंडित जी, जब से बहू इस घर में आई है हमारी तो किस्मत पलट गई। वो मैं सब समझ गया सेठानी जी, लेकिन ये रुपया कुछ कम है। क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि ज्यादा रुपये मिलने से मेरी समझ तेज हो जाएगी और आपका काम यूं। अच्छा अच्छा, ये लो। चंद्र की जन्म पत्री बड़ी भाग्यशाली है लेकिन स्त्री की जन्म पत्री विघन डालती है। क्या कहते हो पंडित जी? बहू का कदम घर में अच्छी घड़ी नहीं पड़ा, कष्ट और हानि का डर है,
इसका कुछ उपाय पंडित जी? हाँ उपाय है, बहू को प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैं प्रायश्चित करूंगी। अजी 40 दिन लग जाएंगे। मैं तैयार हूँ। और वो अकेली रहेगी यहाँ तक कि पति का मुंह भी देख ना सके। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये अन्याय है, ये अन्याय है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रूपा 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 रूपा, अरे ये क्या लक्षण है तेरे? पंडित जी का अपमान करने का तुझे क्या हक था? सच कहा है लोगों ने, छोटे घरों में रिश्ता नहीं करना चाहिए। अरे मैं तुझसे कह रही हूँ, मुंह क्यों छुपाती है? हाँ? खबरदार जो मेरे घर में आंसू बहाए तो। माता जी आप मुझे जो चाहे सजा दीजिए, लेकिन मैं उनसे अलग नहीं रह सकती। हाँ हाँ, मेरे सामने बोल रही है। भगवान के बाद मेरी नजरों में उनकी जगह है, वो मेरे देवता है, मैं उनके लिए महूस नहीं हूँ। तो पंडित जी झूठ कह रहे थे, तेरी जन्म पत्री में गलत लिखा है। मेरा हर सांस उनके लिए दुआएं मांगता है। 40 दिन तो क्या, 40 साल सारी दुनिया का मुंह न देखूंगी, मगर उन्हें मुझसे न छीनी, वही तो एक मेरा सहारा है। बकवास बंद कर, इस घर की भलाई के लिए नहीं बल्कि तेरे पति के बेहतरी के लिए है, तुझे मानना ही पड़ेगा। उन्हें पूना से आ लेने दीजिए, अगर वो कहेंगे तो मैं ये भी कर लूंगी। वो कौन होता है कहने वाला? जैसे पंडित जी ने कहा है तुझे मानना पड़ेगा, और मैं 40 दिन तक तेरे कमरे का दरवाजा नहीं खोलूंगी। माता जी आपने आज तक जो कुछ कहा मैंने सहा, क्योंकि उनकी हल्की सी मुस्कुराहट मेरे सब दुख भुला देती है, मैं इस मुस्कुराहट से महरूम नहीं रह सकती। क्या भक्ति है? उनके सिवा मेरा इस घर में कोई नहीं, अगर वो भी मुझसे न मिल सके तो मैं ये घर छोड़ दूंगी, मुझसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता। रूपा मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती भैया। रूपा तुम्हारी आंख में आंसू? आंसू तो बहुत देर से उमड़ रहे थे भैया, मगर अब छुपाने की भी ताकत नहीं रही मुझ में। रूपा मैंने तुम्हारी नसीहत पर बहुत देर अमल किया भैया, नौकरों से बुरी हालत थी मेरी ससुराल में, वो तुम्हें गालियां देते, मेरा खून खौलने लगता, मगर मैं चुप रही, मेरी सास ने मुझे मारा, मेरे बाल नोचे, मैंने उफ तक न की, गुलाब को इस बेरहमी से पीटा, मैं खड़ी देखती रही, दिल में हजारों गम लेकर अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखी, लेकिन अब क्या बात हुई है? वो मुझसे मेरा पति छीन रहे हैं, मुझे कहते हैं मैं मनहूस हूँ, मुझे 40 दिन तक उनसे अलग रहना होगा, मैं घर से आ गई हूँ भैया। रूपा मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी भैया, मैं बर्तन साफ करूंगी, कपड़े सीऊंगी, झाड़ू दूंगी। रूपा अगर मुझे अपनी चमड़ी बेचकर तुम्हारी एक मुस्कुराहट खरीदनी पड़ती तो मैं कभी गुरेज न करता, मगर तुमने अपने जीवन पर धब्बा लगा लिया है, लड़कियां ससुराल से लड़कर मैके नहीं आया करती। भैया मैं वो हाथ तोड़ देता जो तुम पर उठे अगर वो हाथ तुम्हारी सास के ना होते। बड़े भाई ने बाप की जगह कन्यादान की रस्म अदा की है, अब उस घर के आगे हमें हमेशा झुकना है। वो मेरा घर नहीं है भैया। वो तुम्हारा घर है रूपा, ससुराल में लड़कियों की डोली दाखिल होती है तो अर्थी निकलती है वहां से। भैया आज तुम मुझे जो सुना रही हो उसकी धुंधली सी तस्वीर मैं पहले भी देख चुका हूँ। तुम्हारी शादी से पहले मैं चाहता था कि तुम्हें आगाह कर दूं, लेकिन उस दिन तुम्हारी आंखों में इस कदर खुशी नाच रही थी कि मेरी हिम्मत न हुई। मैं आज तुम्हें फिर नसीहत करता हूँ, जाओ अपनी सास के पास जाओ, मुसीबतों से डर कर भागाना बुजदिली है, तुम्हें अपने प्यार और अपनी सेवा से उन सबको जीतना है, इसी में तुम्हारी इज्जत है और इसी में तुम्हारे भाइयों का मान है। रूपा जाओ जाओ। दर दर की ठोकरे हैं, दर दर की ठोकरे हैं, दुश्मन मेरा जहाँ है, दर दर की ठोकरे हैं, दुश्मन मेरा जहाँ है, फूटा नसीब लेकर जाना मुझे कहाँ है, फूटा नसीब लेकर जाना मुझे कहाँ है, दर दर की ठोकरे हैं।
क्षमा कर दीजिए। बस निकल गया दिमाग से कीड़ा, कह रही थी घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे तुझे कोई भीख भी ना देगा भी। मैं पागलपने में न जाने क्या क्या बक गई थी, क्षमा कर दीजिए। आप जो कहेंगी मैं वो ही करूंगी। अरे पगली, मैं कोई तेरी दुश्मन थी? मैं तो तेरे ही भले के लिए कह रही थी। पंडित जी तो कह रहे थे अगर बहू ने प्राश्चित ना किया तो चंद्र से जान। बस माता जी, मैं कह रही हूँ कि मैं प्राश्चित करने के लिए तैयार हूँ। सिर पे आ गया है और तू अभी तक सो रहा है। ले जा, जा आपकी मिठाई खा ले। और भैया तुम? मैंने अभी अभी हलवा खाया है। आज जरूर कोई ना कोई नौकरी मिलेगी। कल भाई दूज है, रूपा आएगी, उसे भी तो कुछ देना होगा। भैया अपने बीवे पर भी तो कर्जा मिल सकता है, दीदी के लिए कोई अच्छा तोहफा खरीद लो। अरे अभी दो ही किस्तें तो अदा की है, कर्जा कैसे मिलेगा? और फिर वो तो तेरी अमानत है। भैया मैं तो चाहता हूँ गांव वापस लौट चले। अरे गांव में अपना कौन धरा है, और फिर तू क्यों फिक्र करता है? मैं सब ठीक कर लूंगा। जा जा तू मिठाई खा ले जाके। वाह रे जमाने, क्या दिन दिखाए तूने, कैसी जिंदगी बसर कर रहे थे और अब क्या दिन काट रहे हैं। कोई नौकरी खाली है? हम जो है उन्हें निकालने की सोच रहे हैं, तुम्हें नौकरी कहां से देंगे? मुझे नौकरी की तलाश है। बस नो वैकेंसी का बोर्ड नहीं लगा हुआ है? क्या मांगता है इधर? नौकरी। कोई जगह खाली नहीं देखता है? नहीं भैया, भैया मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये देखो गुलाब, तूने चोरी की है क्या? नहीं तो? तो क्या भीख मांगी है? नहीं भैया। तो फिर ये सब कहाँ से आया? मेहनत की है भैया। मेहनत? हाँ भैया, तुमने मुझे चार आने दिए थे ना, दो आने की मैंने बूट पॉलिश की डब्बी ली और दो आने का बुरी दिन भर फिरा, बूट पॉलिश करता था और गाना गाता था। धीरे धीरे पैसे, दो पैसे आलू से जेब भर गई। पॉलिश करवा ले बाबू, बूट पॉलिश करवा ले, बूट पॉलिश करवा ले, बूट पॉलिश करवा ले बाबू, बूट पॉलिश करवा ले, बूट पॉलिश करवा ले। किस्मत में दे जागे, जो जो चमके बूट तुम्हारे
धागे, दौलत वाले होते हैं मजदूरों के रखवाले, दौलत वाले होते हैं मजदूरों के रखवाले, बूट पलिश करवाले, बूट पलिश करवाले बाबू, बूट पलिश करवाले, बूट पलिश करवाले। आशा के दो आंसू आंखों में ही पीने दे, आशा के दो आंसू आंखों में ही पीने दे, लाख दुआएं देंगे तुझको मस्कीनों मोदी ने दे, लाख दुआएं देंगे तुझको मस्कीनों मोदी ने दे, हम भी तेरे देश के हैं ओ दाता रहने वाले, हम भी तेरे देश के हैं ओ दाता रहने वाले, पलिश करवाले बूट पलिश करवाले बाबू, बूट पलिश करवाले, बूट पलिश करवाले। भैया गुलाब, आज मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। अगर ये नन्हे नन्हे हाथ दिन भर बूट पॉलिश कर सकते हैं तो क्या मैं मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता? ये क्या कह रहे हो भैया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज पहली दफा जिंदगी में तुम्हारे भाई ने कुछ कमाया है। लो खा लो, अगर तुम ना खाओगे तो मैं ये सब फेंक दूंगा और मोटर के नीचे आके जान दे दूंगा। ये पैसे कलंक दीदी को देंगे, वो टीका लगाने आएंगी ना? हाँ हाँ जरूर आएगी। लेकिन माँ जी उसे इजाजत देंगी? नहीं, पूरे 40 दिन तक बहू कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए माँ, मैं आज रूपा को यहाँ से ले जा रहा हूँ। उस बेचारी को मैं आप जैसे बेदर्द लोगों के रहम पर नहीं छोड़ सकता। आज आप लोगों ने उसे कैद कर रखा है, कल आप उसका गला घोंट देंगी। ये तुझे क्या हो गया है बेटा, घर की भलाई के लिए पंडित जी ने उसे प्रायश्चित करने के लिए कहा है? घर की भलाई चाहती है तो आप खुद प्रायश्चित क्यों नहीं करती माँ? उस बेचारी ने ऐसा कोई दोष नहीं किया, आखिर आप सब लोग मिलकर इस तरह उसके पीछे क्यों पड़ गए? बीपी के खातिर तुम माँ से ऐसी बातें करते, तुझे शर्म नहीं आती? अगर एक मासूम को किसी दरिंदे के पंजे से बचा लेना बेशर्मी है माँ, तो मुझे अपनी बेशर्मी पर नाज है। तुझे क्या हो गया है बेटा, आखिर ये तेरा घर है, हमने सर पे थोड़ा ही उठा लेना है। पंडित जी मुझे कहते प्रायश्चित करने के लिए तो मैं तैयार थी। बाहर में जाए आपके पंडित और आपकी जन्म पत्री, मैं अपनी पत्नी का खून आपके दिल बहलाने के लिए नहीं कर सकता। मुझे चाबी दे दो माँ। माँ मैंने कहा मुझको चाबी दे दो, कहीं मेरा हाथ ना उठ जाए। माँ उजाड़ दे घर को, बर्बाद कर दे मेरी बला से, ना जाने उस चुड़ैल ने तेरे पे क्या जादू किया है। रूपा, रूपा ना, आप यहाँ? मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ रूपा। मैं नहीं जा सकती जनाब। तुम्हें क्या हो गया रूपा, क्या तुम पत्थर की बनी हुई हो? तुम्हारे पहलू में दिल नहीं है क्या? आखिर तुम इस बेइंसाफी और जुल्म के खिलाफ बगावत क्यों नहीं करती? मैं ये सब अपनी खुशी से कर रही हूँ। तुम अपनी खुशी से रो रही हो, अपनी खुशी से आंसू बह रही हो, तुम्हारी खुशी तुम्हारी आंखों में छलक रही है ना? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं नाथ? चलो रूपा यहाँ से चले जाएं। रूपा नाथ देखो ये सब तुम्हारी शराफत से फायदा उठा रहे हैं, बेइंसाफी की हद हो चुकी है रूपा, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर 40 दिन तो? हाँ हाँ बेटा सिर्फ 40 दिन, पंडित जी ने कहा है। पंडित होंगे तुम्हारे लिए जिन्होंने तुम जैसी बुद्धू औरतों का दिमाग खराब कर रखा है। क्या एक पंडित के कहने से एक मासूम जान को कैद कर रखना इंसानियत? नहीं नाथ, 40 दिन तो यूं गुजर जाएंगे। वैसे तो सारी जिंदगी यूं गुजर जाएगी। मैंने आपकी कसम खाई है कि आप इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखोगे। तुम्हें ये बेहुदा कसम तोड़नी होगी रूपा। नहीं नाथ, भगवान की पूजा करने के लिए देवता की कसम खाई है, ये कभी नहीं टूट सकती। अगर तुम गुलामी की जिंदगी से इतनी मानूस हो गई हो कि आजादी की हवा तक तुम्हें गवारा नहीं, तो मैं भी आज कसम खाता हूँ कि अब इस घर में एक मिनट तक नहीं ठहरूंगा। नाथ, नाथ, चंद्र, चंद्र बेटा कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे खेल के लिए इस घर में एक खिलौना काफी है माँ। मैंने कहा सुनते हो, चंद्र घर छोड़कर जा रहा है। नहीं बेटा तुम नहीं जा सकते। चंद्र बेटा कहाँ जा रहा है? घर में एक सांस लेना भी मेरे लिए पाप है पिताजी। नहीं नहीं बेटा मुझे छोड़ दो माँ, मुझे छोड़ दो। जाने दो, कहाँ जाएगा? सुबह तक मगज ठिकाने आ जाएगा उसका। अब क्या होगा? जमाने क्या रंग दिखाए, बाहर जमाने क्या रंग दिखाए।
पल में हंसाए पल में रुलाए क्या रंग दिखाए बहरे जमाने क्या रंग दिखाए मोहब्बत का नन्ना दिया टिमटिमाया पहले ही झोंके ने आकर बुझाया आंखों में तारीखी दिल में अंधेरा आंखों में तारीखी दिल में अंधेरा पग पग ठोकर खाए पग पग ठोकर खाए क्या रंग दिखाए बहरे जमाने क्या रंग दिखाए देखे सुहागन हाथों की मेहंदी को देखे सुहागन आंखों में आंसू सुना है आंगन आंखों में आंसू सुना है आंगन खुशियों के दिन तो बीत चुके हैं खुशियों के दिन बीत चुके हैं रह गई हाय हाय क्या रंग दिखाए बहरे जमाने क्या रंग दिखाए पल में हंसाए पल में रुलाए क्या रंग दिखाए बहरे जमाने क्या रंग दिखाए बॉय जी साहब एक सोडा ला सोडा विस्की सोडा या ब्रांडी सोडा कुछ भी ला गुस्ताखी माफ आपने पहले भी कभी पी है नहीं तो मेरी जिंदगी से नसीहत सीखो शराब इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इस पर भी आप पीते हैं आदत जो पड़ गई है छुटती नहीं है काफिर मुझसे लगी हुई सुनते हैं इसके पीने से गम गलत होता है हाँ। थोड़ी देर पीती है लेकिन दूसरे दिन गम और बढ़ जाता है दूसरे दिन की किसको परवाह है सोडा रख दो बिस्की वापस ले जाओ बॉय अच्छा भगवान तुम्हारा भला करे अरे बैठी ना साहब कुछ देर साथ रहेगा अब साथ की क्या जरूरत ये एक साथ ही तबाह करने के लिए काफी है यार नया मुर्ग मालूम होता है हाँ यार तो चलो फंस गया तो रात सफल हो जाएगी तो चलना ही चाहिए जरूरी बात है चलो लीजिए सब 50 शो कीजिए दो गुलाम सब दो बादशाह वाह 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 ले जा अभी 5 रुपया डाल दीजिए 5 50 आप हम भी गए आप भी गए जी लीजिए साहब
50 हम आ गए। 50 50 जी हाँ। 200 लीजिए साहब, 200 और ये 500 आए हम। 500 जी हाँ, 500 देखो भाई जी। मेरे पास पैसे खत्म हो गए, चेक लोगे? चेक हाँ, हाँ कुछ बात नहीं है, कोई बात नहीं है। चलेगा चलेगा। लीजिए पेन लीजिए, पेन लीजिए। 500 जी शो कीजिए, मेरे पास 3 बैग। आहा साहब, इधर 3 यक्के हैं। वाह 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 वाह। और आओ सर। अच्छा अब हम जाते हैं, ग्राम ज्यादा हो गई। मेरी मेरी किस्मत खराब थी। अब तू थोड़ी देर ठहर गया, क्योंकि हमारी बीवी इंतजार करती होगी। बीवी इंतजार कर रही? जी बीवी इंतजार कर रही। जी घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, कल फिर चलेगी, आज का बदला कल चुका लेना। आदाब सर। आज का बदला कल चुका दे, कल भी यही कहोगे और परसों, क्योंकि तुम खेलते हो रुपए जीतने के लिए और हम खेलते हैं गम गलत करने के लिए, और सारी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी और फिर कहेंगे इस जन्म का बदला उस जन्म में लिया जाएगा। सब झूठ बकवास, वो मूर्ख हैं जो बदला लेने की उम्मीद रखते हैं। ये तो एक पानी के बुलबुले की मानिंद है जिसे हम देखकर खुश होते हैं, भूल नहीं सवाले, दीवानावार उसकी तरफ बढ़ते हैं, मगर उसे छूने भी नहीं पाते कि वो फट जाता है। देखते नहीं भैया भाभी के साथ क्या अन्याय हो रहा है, जिन भाइयों ने अपनी बहन को सुखी रखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज वो इसे इस हालत में देखेंगे तो क्या गुजरेगी उनके दिल पर। दुख और सुख हमेशा नहीं रहते, एक दिन जरूर ये अपमान मान और इज्जत में बदल जाएगा, लेकिन कभी कभी दिल दहलता है। आजकल मेरी किस्मत खराब है, कहीं आपने भी आंखें फेर ली तो मेरा क्या होगा। आज तुम्हें मेरी बहन का भोलापन भा गया है, लेकिन कल जब उस भोलेपन पर गरीबी के बादल छा जाएंगे, मुमकिन है वो तुम्हारी नजरों से गिर जाए, फिर क्या होगा उसकी जिंदगी का। बोलते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देते? खामोश। मैं खामोश नहीं रह सकता, जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने ना आ जाए तुम्हें ये सब सुनना ही पड़ेगा। ठहरो, भागते कहां हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जहां भी जाओगे तुम्हारा पीछा करूंगा। बस दिल का रब भी वक्त है, होश कर संभल। क्या उस सबला की दिल चीरने वाली पुकार तुझे नहीं सुनाई देती? सुन गाफिल, अपनी पत्नी की दिल चीरने वाली फरियाद सुन। फरियाद मेरी सुन ले, फरियाद मेरी सुन ले। फरियाद मेरी सुन ले जरा आसमां वाले, फरियाद मेरी सुन ले जरा आसमां वाले, जी भर गया दुनिया से मेरा मुझको उठा ले। फरियाद मेरी सुन ले जरा आसमां वाले, जी भर गया दुनिया से मेरा मुझको उठा ले। जीना भी मुफलिसों का दुश्वार कर दिया है, जीना भी मुफलिसों का दुश्वार कर दिया है,
इंसान ने इंसान को तेरे संभाले मुश्किल में प्रभु कौन सिवा तेरे संभाले जी भर गया दुनिया से मेरा मुझे को उठाने क्या तू भी सो गया है किस्मत तो सो गई है क्या तू भी सो गया है नैया है अब हमारी नैया है अब हमारी तूफान के हवाले जी भर गया दुनिया से मेरा मुझको उठा ले फरियाद मेरी सुन ले फरियाद मेरी सुन ले फरियाद मेरी सुन ले जरा आसमां वाले जी भर गया दुनिया से मेरा मुझको उठा ले चंद्र बाबू मोती भैया चंद्र बाबू आज भाई दूज है हम लोग इंतजार करते रहे कि रूपा टीका लगाने आएगी उसके आने से पहले हम लोग कुछ खा भी ना सकते थे खैर मैं तो बिना खाए काम पर चला आया आप उसे जाते हमारे यहाँ भेज दीजिएगा मैं घर नहीं जा रहा मोती तो मैंने घर छोड़ दिया है चंद्र बाबू याद है क्या वादे किए थे आपने मुझसे क्या आप उसे हर हालत में खुश रखने की कोशिश करेंगे और आज उसे ये खुशी दे रहे हैं आप चंद्र भैया चंद्र भैया नाराज हो गए क्या माफ कर दीजिए मैं आपको किसी भी हालत में नाराज नहीं कर सकता आप मेरे बहनों ही हैं मैं आपके सामने झोली फैलाकर भीख मांगता हूं हम भाइयों की वो नहायत ही प्यारी बहन है उसे जरूर खुश रखिएगा खाली ही छोड़ गए झोली भिखारी की खैर मेरी किस्मत सिर चकरा गया था अच्छा भाई तुम लोग जाओ तुम्हारी बहुत मेहरबानी मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूं। नहीं नहीं डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं हल्का सा बुखार है उतर जाएगा रूपा आई थी नहीं तो आज भाई दूज है ना माता जी आज भाई दूज है अब भैया घर से बेघर हो गया है शराब पीता है जुआ खेलता है अपना जीवन तबाह कर रहा है क्यों अब तो बहुत खुश है ना चुप रहे एक तो जख्म करना और ऊपर नमक छिड़कना हर जख्म का इलाज किया जा सकता है पिताजी लेकिन ये कैसा जख्म है कि खून बह जा रहा है मांस कट रहा है आपको दर्द तक महसूस नहीं होता चुप रहे छोकरे तुम दोनों की बदौलत ये सब हो रहा है अगर आप मेरा कहा मानते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता लेकिन माता जी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा अब भी चंद्र भैया को शराबी और जुआरी का नाम फिर मेरे सामने लिया तो लेकिन पिताजी वो आपके जिगर का टुकड़ा है आपकी आंखों का नूर है इस घर का दीपक है पिताजी था लेकिन अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं
मैंने उस नालायक को अपनी जायदाद से भी बढ़तर कर दिया है। जायदाद? वो ठुकराता है आपकी जायदाद को। उसकी जायदाद उसकी अपनी पत्नी है, वो निर्दोष जिसे माता जी ने कैद करके रखा है। उस बेचारी को अभी तक ये भी नहीं पता कि उसका पति घर छोड़कर चला गया है। किसी को जबरदस्ती कैद करना सख्त गुनाह है। मैं तो पाप हरगिज ना होने दूंगी पिताजी। मैं भैया को भाभी से जरूर मिलाऊंगी। लाइए चाबी माता जी। जब तक 40 दिन ना गुजरे दरवाजा नहीं खुलेगा। हाँ, हाँ, दरवाजा नहीं खुलेगा, दरवाजा नहीं खुलेगा तो मैं तोड़ दूंगी दरवाजे को। राधिका, राधिका, दरवाजा नहीं खुलेगा। माता जी कोई जवाब नहीं आता, मुझे डर है कहीं। अरे उसे कुछ नहीं हुआ, मैं जो कह रही हूँ नहीं। भाभी, माता जी दरवाजा खुलिए, मैं कहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपको सच बोलूंगी। अरे पागल हो गई हो तुम? माता जी मैं अपनी जान दे दूंगी मगर ऐसा न्याय नहीं होने दूंगी। चोट लग गई है, मैं कहती हूँ यहाँ से नहीं हिलूंगी जब तक आप दरवाजा खोल देती हूँ। देखिए बेचारी की क्या हालत हो रही है। अगर इसे कुछ हो गया तो इसका खून आपके सर होगा। अरे इसे कुछ नहीं हुआ, बहाना कर रही है। किसी की जान चली जाए आपके लिए बहाना है। भाभी, भाभी, भाभी। कौन? राधिका। भाभी मैं अभी आपके जाने का बंदोबस्त करती हूँ। कहाँ ले जाएगी इसे? अपने घर। बड़ी आए घर वाले, चली जाए यहाँ से, मुझे दरवाजा बंद करने। माता जी जा। भाभी चलिए आप। नहीं राधिका, मैं कहीं नहीं जा सकती। भैया ने कहा था कि ससुराल से लड़कियों की अर्थी निकलती है, वो जीते जी ससुराल कभी नहीं छोड़ती। लेकिन ये आपका ससुराल नहीं है भाभी। भैया घर छोड़कर चला गया, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, वो अब इस घर की परवाह नहीं करता। भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ। राधिका, राधिका, उन्हें वापिस ले आओ। एक बार मेरा सुहाग मुझे वापिस दिला दो। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी, यहाँ तक कि मैं ये घर भी छोड़ दूंगी। उन्हें वापस ले आओ, मैं मरने से पहले उन्हें एक बार देखना चाहती हूँ। भाभी मैं वचन देती हूँ, मैं आज ही भैया को घर वापस लाऊंगी, चाहे मुझे उन्हें घसीट कर ही क्यों ना लाना पड़े। राधिका, राधिका तुम यहाँ क्यों आई हो? जहाँ बड़ा भाई आ सकता है वहाँ छोटी बहन के आने में क्या इतराज है? ये शराबखाना है, जानती हो यहाँ कैसे आदमी आते हैं? जिन्हें ना अपनी जिंदगी का ख्याल है ना घर की इज्जत की परवाह। बहन भाई दूज के दिन अपने शराबी भाई को शराब का टीका लगाने आई है। राधिका क्या तबीयत बहल रही है, एक हाथ में छलकता हुआ जाम, दूसरे में बोतल, आंखों में बेफिक्री की तस्वीर। एक जुआरी को ऐसी नसीहत से फायदा? जुआरी कौन नहीं भैया, ये जिंदगी खुद एक जुआ है। राजा, भिखारी, अमीर, गरीब, औरत, मर्द, ये सब माया के रोशन अंधेरे में तकदीर से जुआ खेलते हैं। क्या आपने भाभी के जीवन में प्रेम का पौसा नहीं फेंका, दिल का दाव नहीं लगाया? जीत आपकी हुई, वो बेचारी तो अपना तन मन सब कुछ हार गई, फिर माता जी ने अपने जुल्म सितम का पौसा फेंका और आप दाव हार गए। अब अपनी हार का बोझ एक अबला के कांधों पर डालकर यहाँ गम गलत करने चले आए। भैया आपने तो गम गलत करने का एक शुगल निकाल लिया है, लेकिन उस बेचारी के गम तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपने उसके साथ आहुतियां डाली हैं, फेरे लिए हैं, उसकी पालना करने की कसम खाई है, उसका रक्षक बनने की प्रतिज्ञा की है। भैया कहाँ गई वो कसम, कहाँ गई वो प्रतिज्ञा? राधिका, भैया जीवन में सिर्फ एक ही ऐसा साथी मिलता है जो आपके दुख सुख, आपकी मुस्कुराहटें, आपके गम सब में हिस्सा लेता है। कितना पवित्र रिश्ता है ब्याह का, कितना मजबूत बंधन है भैया। राधिका लेकिन आपने तो दूसरा साथी ढूंढ लिया है, और वो भी शराब, जिसने कई घर तबाह कर डाले। अब वो बेचारी कहाँ जाए जिसके जीवन में भगवान के बाद आपकी जगह है भैया। अब मैं किसी के काम नहीं आ सकता। काहिर, बुजदिल, पियो पियो, ये किसी के अरमानों का खून है, किसी की हसरतों का खून है, किसी की आशाओं का खून है भैया, ये रूपा का खून है। बस ऐसा मत कहो राधिका। पियो, रुक क्यों गए? कितना लजीज है रूपा का खून जो आपके सब गम भुला देता है। एक तरफ वो देवी है जो आज भी आपके नाम की रट लगा रही है, और दूसरी तरफ आप हैं जो दुश्मन को दूर से देखकर उस गरीब अबला को भयानक लंगूर में अकेला मरने को छोड़ाए हैं। इसे मतदान जी नहीं कहते भैया, जिंदगी और मौत में लटकती हुई अबला को दिन रात उलाते हो। नहीं राधिका, देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ,
इन चीजों को आपसे बिल्कुल नहीं छूंगा, मैं इन चीजों को बिल्कुल नहीं छूंगा राधिका। तो मुझे इस वक्त रूपा के पास ले चलो, मुझे रूपा के पास ले चलो राधिका। आज आज भाई दूज है, गुलाब ले आओ, रूपा को ले आओ। रूपा, रूपा मैं आ गया हूँ, रूपा मैं आ गया हूँ। रूपा नाथ, नाथ क्या मैं ख्वाब देख रही हूँ? नहीं रूपा, तुम ख्वाब नहीं देख रही। शराब के नशे ने मुझे अंधा कर रखा था रूपा, मैं अपनी सुध-बुध खो चुका था। अब मैं वादा करता हूँ मैं उसे कभी नहीं छूऊंगा रूपा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो रूपा, मैं उन सब से बदला लूंगा जिन्होंने तुम्हें इतना सताया है रूपा। तुम्हें किसने सताया है रूपा? बता, बताती क्यों नहीं? क्या बताऊं माता जी, गरीबों के मुंह हमेशा बंद रहते हैं। अरे हम गरीब हैं तो क्या हुआ, क्या हम हाथ फैलाकर परमात्मा से न्याय भी नहीं मांग सकते? बड़ा आया है न्याय मांगने वाला, शराबी जुआरी, मैंने तुझे जायदाद से भी बढ़कर कर दिया है। मैंने तमाम कार्रवाई पूरी करके रखी है, ये देख। वो देख, ईश्वर की अदालत में पापी बंदे खड़े हैं और ईश्वर सबके साथ एक जैसा न्याय कर रहा है। उसकी अदालत में अमीर गरीब सब एक हैं। रूपा तू रो रही है, तेरे सामने जो दुख की दीवार खड़ी है मैं सिर मारकर तोड़ दूंगा उसे, सिर मारकर तोड़। भैया मैं भी दवाई ले आता हूं। गुलाब, भैया मैंने तुझ पर हाथ उठाया, मुझे माफ करना गुलाब। अरे मरने वाले को तो सब माफ कर देते हैं। मैं जिंदगी में, मैं जिंदगी में किसी के काम ना सका, मरने के बाद तेरे काम तो आ जाऊंगा। बीमे के पैसे तो मिल जाएंगे तुझे, अरे तुझे बूट पॉलिश तो ना करनी पड़ेगी। भैया, भैया, मैं अभी दवाई ले आता। आज भाई दूज, मुझे भैया को टीका लगाना है, गुलाब को टीका लगाना है। भैया गुलाब, गुलाब कहाँ हो तुम? चलो रूपा के पास, अगर वो नहीं आ सकती तो हम जाएंगे उसके पास। गुलाब, गुलाब गुलाब। अरे बहुत देर लगाती गुलाब। भैया, भैया गुलाब, गुलाब गुलाब गुलाब। भैया क्या हुआ है तुझे? मेरे भाई मुझे बुला रहे हैं, मैं अपने भाइयों के पास जाऊंगी। पहले दीदी के पास नहीं चलूं, पहले दीदी से तिलक करा ले फिर अस्पताल चलूंगी। अच्छा गुलाब, मैं आ रही हूँ। भैया, भैया रूपा, मेरे भाई मुझे बुला रहे हैं, आज भाई दूज है, मुझे मेरे भाइयों के पास जाने दो। मैं तुम्हें ले चलूं। भैया, भैया देखो दीदी आ रही है। गुलाब, गुलाब इसे क्या हुआ? भैया मोटर के नीचे आ गया था, कहता है बहन से तिलक करा लूं फिर अस्पताल जाऊंगा। सलामत रहे मेरे भाइयों की जोड़ी। भैया गुलाब, मैं अपने खून से तिलक लगाऊंगी। घर उजड़ गया, हम बर्बाद हो गए, लेकिन आपकी चहलकदमी न गई। खामोश, मेरे इकलौते बेटे को घर से निकाल दिया, मेरे इकलौते दामाद को घर से निकाल दिया, न बेटी का ख्याल किया न बहू का, ये तेरी ताने देने की आदत अभी तक नहीं जाती। मैंने सोचा था बहू घर में रहेगी, चंद्र भी लौट आएगा, लेकिन वो दोनों राधिका के यहाँ चले गए हैं। बिरादरी वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हैं, तुझे सिर्फ बिरादरी का ख्याल है, बहू बेटा जाए फाड़ में, तुझे क्या और बिरादरी को क्या? खबरदार, अगर बिरादरी का नाम फिर मेरे सामने लिया तो सर फोड़ दूंगा तेरा। हाँ मैं तो पहले ही पछता रही हूँ नाथ, और अब कुछ न कहिए, जाइए उन्हें मना लाइए, उनसे माफी मांग लीजिए। मैं माफी मांगने जाऊँ? हाँ। सब काम बिगाड़ो तुम और बनाने जाऊँ मैं, घर से निकालो तुम और मनाने जाऊँ मैं, गालियाँ तुम दो और माफी मैं मांग लू? नहीं, तुझे ही माफी मांगनी होगी। हम दोनों माफी मांग लेंगे। नहीं, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, तुझे अकेले जाना होगा।
अच्छा अगर आपकी यही जिद है तो मैं भी घर छोड़कर चली जाती हूँ, संभालिए अपनी जायदाद। अरे जा जा, तेरी ये रोज की धमकियां सुन के कान पक गए हैं मेरे, जा चली जा। लेकिन मैं जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी? देख ये झूठ मूठ का रोना फिर शुरू कर दिया तो मार मार के सचमुच ही रुला दूंगा तुझे। मुझे माफ कर दीजिए नाथ, मैं आपके चरण छूती हूँ, चलिए मेरे साथ उन्हें मना लाइए, उनसे माफी मांग लीजिए। उनसे माफी मांग लीजिए? हाँ हाँ। लेकिन याद रख अच्छी तरह माफी मांगनी होगी। हाँ हाँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, चलिए। चल चल। लाला मोतीलाल। सेठ जी, जमाना बदल गया है और हम दोनों वही पुरानी लकीरें पीटते रहे, ये तुम सबसे माफी मांगने आई है? मैं ही माफी मांगू? हाँ। आप नहीं मांगेंगे? नहीं। सेठ जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? बेटी आज से तुम मेरी बहू नहीं, मेरी अपनी बच्ची हो। मैंने जितने अत्याचार किए हैं, जितने जुल्म किए हैं, मुझे माफ कर दो बेटी। माता जी आज से तुम घर की रानी हो, ये लो चलो अपने घर। माता जी शर्मिंदा ना करो, आज से तुम दोनों मेरी बेटियां हो और तुम सब मेरे बेटे हो। भगवान का शुक्र है कि बिगड़ी बना दी उसने। ए चिमन चलो तुम भी चलो बेटा। नहीं माँ जी, मैं फिर से घर जवाई बनना नहीं चाहता। हाँ कभी कभी आपके यहाँ आया करते। बड़ा जिद्दी है। अब चलो। अच्छा मोती भैया आप आइएगा। जरूर आया करूँगा। जरूर आना। नमस्ते सेठ जी। अच्छा गुलाब। रूपा जाओ। भैया मोती भैया अब तो खुश हो ना? आप भी देखो। बार बार।